तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें ये तकरीर इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ पैंतालीस को दार्स्म नज पठानकोट मशरकी पंजाब में जमात इस्लामी के कुल हिंद इज्तम के आखिरी इजलास में की गई थी रुफाऊ हाजरीन जैसा कि आपको मालूम है हमारी जिदोजहद का आखिरी मकसूद इनकलाब इमामत है यानी दुनिया में हम जिस इंतहाई मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो ये है कि फुसाको फुजार की इमामत क्यादत ख़त्म होकर इमामत साल का निज़ाम कायम हो इसी मकसद अजीम के लिए सईय जोहत को हम दुनिया और आखरत में रज़ा इलाही के हसूल का जरिया समझते हैं ये चीज़ जिसे हमने अपना मकसद करार दिया है अफसोस है कि आज उसकी अहमियत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी गाफिल हैं मुसलमान इसको महज सियासी मकसद समझते हैं और इनको कुछ एहसास नहीं कि दीन में उसकी क्या अहमियत है गैर मुस्लिम कुछ तसब की बिना पर और कुछ नावाकफियत की बुनियाद पर इस हकीकत को जानते ही नहीं कि दरअसल फुसाको फुजार की क्यादत ही नौ इंसानी के मसायब की जड़ है और इंसान की भलाई का सारा इहसार सिर्फ इस बात पर है कि दुनिया के मामला की सरबराहकारी साले लोगों के हाथ में हो आज दुनिया में जो फसाद अजीम बरपा है जो जुल्म और तुहान हो रहा है इंसानी अख्लाक में जो आलमगीर बिगाड़ रूनमा है इंसानी तमदन तो सियासत की रग रग में जो जहर सरायत कर गए हैं ज़मीन के तमाम वसायल और इंसानी ओलूम की दरिया करदा सारी क़वतें जिस तरह इंसान की फलाह बहबूद के बजाय उसकी तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही हैं इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी चीज पर है तो वो सिर्फ यही है कि दुनिया में चाहे नेक लोगों और शरीफ इंसानों की कमी न हो मगर दुनिया के मामला उनके हाथ में नहीं है बल्कि खुदा से फिरे हुए और मादा परस्ती और बद में डूबे हुए लोगों के हाथों में है अब अगर कोई शख्स दुनिया की सलाह चाहता है और फसाद को सलाह से इस तराब को अमन से बदअलाकियों को अखलाक साले से और बुराइयों को भलाइयों से बदलने की ख्वाहिशमंद हो तो उसके लिए महज नेकियों का वाज और खुदा परस्ती की तलकिन और हसन अख्लाक की तरगीब भी काफी नहीं है बल्कि उसका फर्ज है कि नौ इंसानी में जितने साले अनासर उसको मिल सकें उन्हें मिलाकर वो वह इज्तमाहीवत बहम पहुंचाए जिससे तमदन की जमाम कार फासों से छीनी जा सके और इमामत के निजाम में तगैर लाया जा सके जमाम कार की अहमियत इंसानी जिंदगी के मसाइल में जिसको थोड़ी सी बसीरत हासिल हो वो इस हकीकत से बेखबर नहीं रह सकता के इंसानी मामलों के बनाव और बिगाड़ का आखिरी फैसला जिस मसले पर मुंहसर है वो यह सवाल है कि मामलाती इंसानी की जमाने कार किसके हाथ में है जिस तरह गाड़ी हमेशा उस समत में चला करती है जिस समत पर ड्राइवर उसको ले जाना चाहता है और दूसरे लोग जो गाड़ी में बैठे हुए हैं खास्ता और नाखास्ता उसी समत पर सफर करने के लिए मजबूर होते हैं इसी तरह इंसानी तमद्दन की गाड़ी भी उसी समत पर सफर किया करती है जिस समत पर वो लोग जाना चाहते हैं जिनके हाथ में तमदन की बागें होती हैं जाहिर है कि ज़मीन के सारे जराये जिनके काबू में हों क़्वत इकतदार की बागे जिनके हाथ में हों आम इंसानों की जिंदगी जिनके दामन से वाबस्ता हो ख्याल अफकार नजरियात को बनाने और ढालने के वसायल जिनके कब्जे में हों इनफरादी सीरतों की तमीर और इज्तमी निज़ाम की तश्ल और अखलाक कदरों के तयन जिनके इख्तियार में हो उनकी रहनुमाई और फरमाई के तहत रहते हुए इंसान बहसीियत मजमू उस राह पर चलने से किसी तरह बाज नहीं रह सकती जिस पर वो उसे चलाना चाहते हैं ये रहनमा और फरमा रवा अगर खुदा परस्त और साले लोग हों तो लामहला जिंदगी का सारा निजाम खुदा परस्ती और खैर वलाह पर चलेगा बुरे लोग भी अच्छे बनने पर मजबूर होंगे भलाइयों को नश्व नुमा मिलेगी और बुराइयां अगर मिटेंगी नहीं तो कम अज कम परवान भी न चढ़ सकेंगी लेकिन अगर रहनमायदत और फरमा रवाई का ये इकतदार उन लोगों के हाथों में हो जो खुदा से बरगश्ता और फिसको फजूर में सरगश्ता हो, तो आप से आप सारा निज़ाम ज़िंदगी खुदा से बगावत और जुल्म खलाक़ी पर चलेगा ख़यालत व नज़रियातूम आदाब सियासत मीशत तहजीब माशरत अखलाक मामला अदल वक़ानून सबके सब बहसीत सब मजमू बिगड़ जाएंगे बुराइयाँ खूब नश्वनुमा पाएंगी भलाइयों को जमीन अपने अंदर जगह देने से और हवा और पानी इनको गजा देने से इनकार कर देंगी और खुदा की जमीन जुल्म जोर से लबरेज होकर रहेगी ऐसे निजाम में बुराई की राह पर चलना आसान और भलाई की राह पर चलना क्या कायम रहना भी मुश्किल होता है जिस तरह आपने किसी बड़े मजमे में देखा होगा कि सारा मजमा जिस तरफ जा रहा हो उस तरफ चलने के लिए आदमी को कुछ कुत लगाने की भी जरूरत नहीं होती बल्कि वो मजमा की कुत से खुद खुद उस तरफ पड़ता चला जाता है लेकिन अगर उसके मुखालिफ समत में कोई चलना चाहे तो वो बहुत जोर मार कर भी बमुश्किल एक आध कदम आगे चल सकता है और जितने कदम वो चलता है मजमे का एक ही रेला उससे कई गुने ज्यादा कदम उसे पीछे धकेल देता है इसी तरह निज़ाम भी जब गैर सारे लोगों की क्यादत में कुफर फिस की राहों पर चल पड़ता है तो अफराद और गिरोहों के लिए गलत राह पर चलना तो इतना आसान हो जाता है कि उन्हें बतौर खुद उस पर चलने के लिए कुछ जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर वो उसके खिलाफ चलना चाहें तो अपने जिसम जान का सारा जोर लगाने पर भी एक आध कदम ही राह रास् पर बढ़ सकते हैं और इज्तमाही रॉ उनकी मुजाहत के बावजूद उन्हें धकेल कर मीलों पीछे हटा ले जाती है ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं यह अब कोई नजरी हकीकत नहीं रही जिसे साबित करने के लिए दलाइल की जरूरत हो बल्कि वाकयात ने उसे एक बदी ही हकीकत बना दिया है जिससे कोई साहिब दीदा बीना इनकार नहीं कर सकता आप खुद ही देख लें कि पिछले सौ बरस के अंदर आपके अपने मुल्क में किस तरह ख्यालत व नजरियात बदले हैं मजाक और मजाज बदले हैं सोच के अंदाज और देखने के जाविये बदले हैं तहजीब व अखलाक के मैार और कदर वीमत के पैमाने बदले हैं और कौन सी चीज रह गई है जो बदल न गई हो ये सारा तगैर जो देखते देखते आप किसी सरजमीन में हुआ उसकी असल वजह आखिर क्या है क्या आप इसकी वजह इसके सिवा कुछ और बता सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में जमाम कार थी और रहनमाई और फरमाई की बागों पर जिनका कब्जा था उन्होंने पूरे मुल्क के अखलाक अजहान नफ्सियात मामला और निज़ाम तमद्दन को उस सांचे में डालकर रख दिया जो उनकी अपनी पसंद के मुताबिक था फिर जिन ताकतों ने उस तगैर की मज़ात की જરા નાપ કર દેખીએ કે ઉને کامیابی કેટલી ہوئی اور ناکامی કેટલી શું યે વાક્ય નહીં હૈ કે કલ જો મુઝાહમત કી તહરીક કે પેશવા થે આજ ઉનકી ઓલાદ વક્ત કી રો મે વહી ચલી જા રહી હૈ ઓર ઉનકે ઘરો તક મે ભી વહી કુછ પહોંચ ગયા હૈ જો ઘરો સે બહાર ફેલ ચુકા હૈ ક્યા યે વાક્ય નહીં હૈ કે મુકદ્દસ તરીન મઝહબી પેશવાઓ તક કી નસલ સે વો લોગ ઉઠ રહે હૈ જીને ખુદા કે વजूद ઓર વહી ઓર રિસાલાત કે ઇમકાન મે ભી શક હૈ इस मुशाहदे और तजर्बे के बाद भी क्या किसी को इस हकीकत के तस्लीम करने में ताम्ल हो सकता है कि इंसानी जिंदगी के मसाइल में असल फैसला कन मसला जमाम कार का मसला है और यह अहमियत इस मसले ने कुछ आज ही इख्तियार नहीं की बल्कि हमेशा से उसकी यही अहमियत रही है अन्ना सला दीन मलूक हिम बहुत पुराना मक़ूला है और इसी बिना पर हदीस में कौमों के बनाव और बिगाड़ का जिम्मेदार उनके उलमा और उमरा को करार दिया गया है क्योंकि लीडरशिप और जमाम कार उन्हीं के हाथों में होती है इमामत साल काम दीन का हकीकी मकसूद है इस तशरी के बाद यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि दीन में उस मसले की क्या अहमियत है जाहिर बात है कि अल्लाह का दीन अव्वल तो यह चाहता है कि लोग बिल्कुल लिया बंदे हक बनकर रहें और उनकी गर्दन में अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी का हल्का ना हो फिर वो चाहता है अल्ला ही का कानून लोगों की जिंदगी का कानून बनकर रहे फिर उसका मुतालबा यह है कि जमीन से फसाद मिटे उन मुनकरसाल किया जाए जो अहले ज़मीन पर अल्लाह के गज़ब के मूजब होते हैं और उन खैरा हसन को फ़रो दिया जाए जो अल्लाह को पसंद है इन तमाम मकासद में से कोई मकसद भी इस तरह पूरा नहीं हो सकता कि नोए इंसानी की रहनमाय क्यादत और मामलती इंसानी की सरबराकारी कुफर जलाल के हाथों में हो और दीन हक के पैरों महज उनके मातहत होकर उनकी दी हुई रियायतों और गुंजाइशों से फायदा उठाते हुए याद खुदा करते रहे मकासद तो लाजमी तौर तो पर इस बात का मुतालबा करते हैं कि तमाम अहले खैर सलाह जो अल्लाह की रजा के तालिब हों इज्तमी क़ुवत पैदा करें और सर धड़ की बाजी लगाकर एक ऐसा निज़ाम हक कायम करने की सई करें जिसमें इमामत रहनुमाई और कयादत व फरमाई का मनसब मोमिन के हाथ में हो इन चीजों के बगैर वो मुद्दा हासिल नहीं हो सकता जो दीन का असल मुद्दा है इसलिए दीन में इमामत साल की क्याम और निज़ाम हक की इकामत को मकसदी हैसियत हासिल है और इस चीज से गफलत बरतने के बाद कोई अमल ऐसा नहीं हो सकता जिससे इंसान अल्लाह तजा को पहुंच सके गौर कीजिए आखिर कुरान हदीस में जाम जमात और समोतात में इतना जोर क्यों दिया गया है कि अगर कोई शख्स जमात से खरूज इख्तियार कर ले तो इससे कताल वाजिब है खा व कलम तोहहीद कायल का और नमाज रोजे का पाबंद ही क्यों ना हो क्या उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इमामत साल और निज़ाम हक का क्याम बका दीन का हकीकी मकसूद है और इस मकसद का हसूल इज्तमी ताकत पर मौकूफ है लिहाजा वह शख्स इज्तमी ताकत को नुकसान पहुंचाता है वो इतने बड़े जुर्म का इरतकाब करता है कि जिसकी तलाफी न नमाज से हो सकती है न इकरार तोहैद से फिर देखिए कि आखिर इस दिन में जिहाद को इतनी अहमियत क्यों दी गई है कि उससे जी चुराने और मुंह मोड़ने वालों पर कुरान मजीद निफाक का हुक्म लगा देता है जिहाद निज़ाम हक की सई का ही तो दूसरा नाम है और कुरान इसी जिहाद को वो कसौटी करार देता है जिस पर आदमी का ईमान परखा जाता है बल्फाज दीगर जिसके दिल में ईमान होगा वो न तो निज़ाम बातिल के तसल्लुत पर राजी हो सकता है और न निजाम हक के क्याम की जुदोजोहद में जानो माल से दरेक कर सकता है इस मामले में जो शख्स कमजोरी दिखाए उसका ईमान ही मुश्तबा है फिर भला कोई दूसरा अमल उसे क्या नफा पहुंचा सकता है इस वक्त इतना मौका नहीं है कि मैं आपके सामने इस मसले की पूरी तफसी बयान करूँ मगर जो कुछ मैंने अर्ज किया है वो इस हकीकत को जहन नशीन करने के लिए बिल्कुल काफी है कि इस्लाम के नुक़ नजर से इमामत साल का क्याम मरकजी और मकसदी हैसियत रखता है जो शख्स इस दीन पर ईमान लाया हो उसका काम सिर्फ इतने ही पर ख़त्म नहीं हो जाता कि अपनी जिंदगी को हतल इमकान इस्लाम के सांचे में ढालने की कोशिश करे बल्कि ऐन उसके ईमान ही का तक यह है कि वह अपनी तमाम सयो जोहद को उस मकसद पर मरकूज कर दे कि जमाम कार कुारोफ उक के हाथ से निकलकर सालहन के हाथ में आए और वो निज़ाम हक कायम हो जो अल्लाह ताली की मर्जी के मुताबिक दुनिया के इंतजाम को दुरुस्त करे और दुरुस्त रखे फिर चूंकि ये मकसद आला इज्तमी कोशिश के बगैर हासिल नहीं हो सकता इसलिए एक ऐसी जमात साल का वजूद जरूरी है जो खुद उस हक की पाबंद हो और निज़ाम हक को कायम करने बाकी रखने और ठीक ठीक चलाने के सिवा दुनिया में कोई दूसरी गरज पेश नजर न रखे रुए जमीन पर अगर सिर्फ एक ही आदमी मोमिन हो तब भी उसके लिए यह दुरुस्त नहीं है कि वह अपने आप को अकेला पाकर और जरा मफकूद देकर निज़ाम बातिल के तसल्लु पर राजी हो जाए यह आहवनबली या तैन के शरी हीले तलाश करके गलब कुफरो फिस्क के मातहत कुछ आदि पौनी मजहबी जिंदगी का सौदा चुकाना शुरू कर दे बल्कि उसके लिए सीधा और साफ रास्ता यही है कि बंदगा ने खुदा को इस तरीके जिंदगी की तरफ बुलाए जो खुदा को पसंद है फिर अगर कोई उसकी बात सुनकर न दे तो उसका सारी उम्र सिरात मस्तकीम पर खड़े होकर लोगों को पुकारते रहना और पुकारते पुकारते मर जाना इससे लाख दर्जा बेहतर है कि वो अपनी जबान से वो सदाएं बुलंद करने लगे जो जलालत में भटकी हुई दुनिया को मरकूब है और उन राहों पर चल पड़े जिन पर कुफार की इमामत में दुनिया चल रही है और अगर कुछ अल्लाह के बंदे उसकी बात सुनने पर आमादा हो जाए तो उसके लिए लाजिम है कि उनके साथ मिलकर एक जथा बनाए और ये जथा अपनी तमाम इज्तमी कवत उस मकसद अजीम के लिए जिद्दोजहद करने में सर्फ कर दे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं हजरात मुझे खुदा ने दीन का जो थोड़ा बहुत इल्म दिया है और कुरान और हदीस के मुताले से जो कुछ बसीरत मुझे हासिल हुई है इससे मैं दीन का तकाजा यही कुछ समझा हूं यही मेरे नज़दीक किताब इलाही का मतालबा है यही अम्बिया की सुन्नत है और मैं अपनी इस राय से हट नहीं सकता जब तक कि कोई खुदा की किताब और रसूल की सुन्नत ही मुझ पर यह साबित न कर दे कि दीन का यह तकाजा नहीं है इमामत के बाब में खुदा की सुन्नत अपनी सई के इस मकसद व मुंतहा को समझ लेने के बाद अब हमें उस सुन्नतुल्लाह को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसके मातहत हम अपने इस मकसूद को पा सकते हैं यह कायनात जिसमें हम रहते हैं इसको अल्लाह ताला ने एक कानून पर बनाया है और इसकी हर चीज एक लगे बने जबते पर चल रही है यहाँ कोई सही महज पाकिजा ख्वाहिशात और अच्छी नीयतों की बिना पर कामयाब नहीं हो सकती और न महज नफुसिया की बरकतें ही उसको बरावर कर सकती हैं बल्कि उसके लिए उन शरायत का पूरा होना जरूरी है जो ऐसी मसाए की बराबरी के लिए कानून इलाही में मुक्र है अगर आप जरात करें तो खा आप कितने ही बुजुर्ग सिफत इंसान हो और तस्बी व तहलील में कितना ही मुबालगा करते हों बहरहाल आपका फेंका हुआ कोई बीज भी बरगोबार नहीं ला सकता जब तक आप अपनी सही काश्तकारी में उस कानून की पूरी पूरी पाबंदी मलहूज न रखें जो अल्लाह ने खेतों की बारावरी के लिए मुकर कर दिया है इसी तरह निज़ाम इमामत का वो इनकलाब भी जो आपके पेश नजर है कभी महज दुआओं और पाक तमन्नाओं से रूनुमा न हो सकेगा बल्कि उसके लिए नागुजीर है कि आप उस कानून को समझें और उसकी सारी शर्तें पूरी करें जिसके तहत दुनिया में इमामत कायम होती है किसी को मिलती है और किसी से छिनती है अगर इससे पहले भी मैं इस मजमून को अपनी तहरीरों और तकरीरों में इशारतन बयान करता रहता हूं लेकिन आज मैं उसे मजीद तफसील और तशरी के साथ पेश करना चाहता हूं क्योंकि ये वो मजमून है जिसे पूरी तरह समझे बगैर हमारे सामने अपनी राह अमल वाजी नहीं हो सकती इंसान की हस्ती का अगर तज् किया जाए तो मालूम होता है कि उसके अंदर दो मुख्तलिफ हैसियतें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और बाहम मिली जुली भी उसकी एक हैसियत तो यह है कि वह अपना एक तबी व हैवानी वजूद रखता है जिस पर वही कवानी जारी होते हैं जो तमाम तबीयत व हवानात पर फरमारवाई कर रहे हैं इस वजूद की कारकरदगी मुनहसर है उन आलात वसायल पर उन मादी जराये पर उन तबी हालात पर जिन पर दूसरी तमाम तबई और हैवानी मौजूदात की कारदगी का इहसार है ये वजूद जो कुछ कर सकता है कवानी तबई के तहत आलात वसायल के जरिए से और तबई हालात के अंदर ही रहते हुए कर सकता है और इसके काम पर आलम इसबाब के तमाम कुतें मुखालिफ या मुआफिक असर डालती हैं दूसरी हैसियत जो इंसान के अंदर नुमाया नजर आती है वह उसके इंसान होने या बाल्फाज दीगर एक अखलाकी वजूद होने की हैसियत है ये अखलाकी वजूद तबैयात का ताबे नहीं है बल्कि उन पर एक तरह से हुकूमत करता है ये खुद इंसान के तबई और हैवानी वजूद को भी आले के तौर पर इस्तेमाल करता है और खारजी दुनिया के इस्बाब को भी अपना ताबे बनाने और उनसे काम लेने की कोशिश करता है उसकी कारकन क़वतें वह अखलाकी औसाफ हैं जो अल्लाह ताली ने इंसान में वदीयत फरमाए हैं और इस पर फरमाई भी तबई कवान की नहीं बल्कि अखलाकी कवान के हैं इंसानी उरूज व जवाल का मदार अखलाक पर है ये दोनों हैसियतें इंसान के अंदर मिली जुली काम कर रही हैं और मजमू तौर पर उसकी कामयाबी व नाकामी और उसके रूज व जवाल का मदार मादी और अखलाक़ी दोनों किस्म की क़्वतों पर है वो बेनियाज तो ना मदी क़्वतों से हो सकता है और नाखलाकूत से उसे रूज होता है तो दोनों के बल पर होता है और वो गिरता है तो उसी वक्त गिरता है जब यह दोनों ताकतें उसके हाथ से जाती रहती हैं या उनमें से वो दूसरों की बनस्बत कमजोर हो जाता है लेकिन अगर गैर नजर से देखा जाए तो मालूम होगा कि इंसानी जिंदगी में असल फैसला कन अहमियत अखलाकी ताकत की है ना कि मादी ताकत की इसमें शक नहीं कि मादी वसायल का हसूल तबीयी जराये का इस्तेमाल और अस्बाब खारजी की मोफिकत भी कामयाबी के लिए शर्त लाजिम है और जब तक इंसान इस आलम तबीयी में रहता है यह शर्त किसी तरह साकित नहीं हो सकती मगर वो असल चीज़ जो इंसान को गिराती और उठाती है और जिसे उसकी किस्मत के बनाने और बिगाड़ने में सबसे बढ़कर दखल हासिल है वह अखलाकी ताकत ही है जाहिर है कि हम जिस चीज़ की वजह से इंसान को इंसान कहते हैं वो उसकी या यावानियत नहीं बल्कि उसकी अखलाक़ीत है आदमी दूसरी मौजूदात से जिस खसूसियत की बुनियाद पर ममज़ होता है वो ये नहीं है कि वो जगह घेरता है या सांस लेता है या नस्ल कशी करता है बल्कि इसकी वो इम्तियाजी खसूसियत जो से एक मुस्तकिल नौ ही नहीं खलीफतुल्लाह फिल अर्ज बनाती है वो उसका अखलाकी इख्तियार और अखलाकी जिम्मेदारी का हामिल होना है बस जब असल जौहर इंसानियत अखलाक ही है तो लामहाला ये मानना पड़ेगा कि अखलाकियात ही इंसानी जिंदगी के बनाव और बिगाड़ में फैसला कुल मकाम हासिल है और अखलाकी कवानीन ही इंसान के ूज जवाल पर कारफरमा है इस हकीकत को समझ लेने के बाद जब हम अखलाकियात का तजिया करते हैं तो वो असूली तौर पर हमें दो बड़े शोबों में मुनसिब नजर आते हैं एक बुनियादी इंसानी अखलाकियात दूसरे इस्लामी अखलाकियात बुनियादी इंसानी अखलाकियात बुनियादी इंसानी अखलाकियात से मुराद वो असाफ हैं जिन पर इंसान के अखलाकी वजूद की असास है उनमें वह तमाम सिफात शामिल हैं जो दुनिया में इंसान की कामयाबी के लिए बहरहाल शरत लाजिम है खा वो सही मकसद के लिए काम कर रहा हो या गलत मकसद के लिए इन अखलाकियात में सवाल का कोई दखल नहीं है कि आदमी खुदा को और वही और आखरत को मानता है या नहीं तहारत नफ्स और नीयत खैर और अमल साले से आरास्ता है या नहीं अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है या बुरे मकसद के लिए कता नजर इसके कि किसी में ईमान हो या न हो उसकी जिंदगी पाक हो या ना उसकी सही का मकसद अच्छा हो या बुरा जो शख्स और जो गिरोह भी अपने अंदर वो औसाफ रखता होगा वो दुनिया में कामयाबी के लिए नागजीर हैं वो यकीन कामयाब हो जाएगा और उन लोगों से बाजी ले जाएगा जो इन औसाफ के लिहाज से उसके मुकाबले में नाकस होंगे मोमिन हो या काफिर नेक हो या बद मुसल हो या मुफसिद गरज जो भी हो वो अगर कारगर इंसान हो सकता है तो सिर्फ इस सूरत में कि जब उसके अंदर इरादे की ताकत और फैसले की क़वत हो आजम और हौसला सब्र और इस्तलाल हो तहमुल और बर्दाश्त हो हिम्मत और शजात हो मुस्तदी और जफाकशी हो अपने मकसद का इश्क और उसके लिए हर चीज कुर्बान कर देने का बलबोता हो हजम एहतियात और मामला फहमी और तदब्बर हो हालात को समझने और उनके मुताबिक अपने आप को ढालने और मुनासिब तदबीर करने की काबिलियत हो अपने जज्बात ख्वाहिशात और हैजानात पर काबू हो और दूसरे इंसानों को मोहने और उनके दिल में जगह पैदा करने और उनसे काम लेने की सलाहियत हो फिर नागजीर है कि उसके अंदर वो शरीफाना खसाइल भी कुछ न कुछ मौजूद हों जो फिल हकीकत जौहर आदमीत है और जिनकी बदौलत आदमी का वक़ार एतबार दुनिया में कायम होता है मसल खुदारी फयाजी रहम हमदर्दी इंसाफ वसत कल्बो नजर सच्चाई अमानत रास्तबाजी पास अहद माखूलीत अतदाल शाइस्तगी, तहारत नज़ाफ़त और, और जहनो नफ्स का इंजबात ये वसाफ अगर किसी कौम या गिरोह के बेशतर अफराद में हों तो गोया यूं समझ लीजिए कि उसके पास वो सरमाया इंसानियत मौजूद है जिससे एक ताकतवर इजमाहीत वजूद में आ सकती है लेकिन ये सरमाया मुजतम होकर बिलफैल एक मजबूत वमस्तकम और, और कारगर इजमाही ताकत नहीं बन सकता जब तक कुछ दूसरे अखलाकी अवसाफ भी उसकी मदद पर न आए मसला तमाम या बेशर अफरा किसी इज्तमाही नसबुलैन पर मुतफ़ हों और इस नसबुलैन को अपनी इनफरादी अखराज बल्कि अपनी जान माल और औलाद से भी ज्यादा अजीज़ तर रखें उनके अंदर आपस की महब्बत और हमदर्दी हो उन्हें मिलकर काम करना आता हो वह अपनी खुदी और नफसानियत को कम अज़ कम इस हद तक कर्बान कर सकें जो मुनज़म सही के लिए नागजीर है वो सही रहनुमा में तमीज़ कर सकते हों और मौजों आदमियों ही को अपना रहनुमा बनाएं उनके रहनुमाओं में खुलूस और हसन तदबीर और रहनुमाई की दूसरी जरूरी सिफात मौजूद हों और खुद कौम या जमात भी अपने रहनुमाओं की इताद करना जानती हो उन पर एतम रखती हो और अपने तमाम जहनी जिसमानी और मादी जराये उनके तसरफ में दे देने पर तैयार हो नीज पूरी कौम के अंदर ऐसी जिंदा और हसास राय आम पाई जाती हो जो किसी ऐसी चीज को अपने अंदर पनपने न दे जो इजमाही फलाह के लिए नुकसान दे हो ये हैं वो अखलाकियात जिनको मैं बुनियादी अखलाकियात के लफ से ताबीर करता हूँ क्योंकि फिलवा यही अखलाकी औसाफ इंसान की अखलाकी ताकत का असल मंबा है और इंसान किसी मकसद के लिए भी दुनिया में कामयाब सही नहीं कर सकता जब तक इन अवसाफ का जोर उसके अंदर मौजूद न हो इन अखलाकियात की मिसाल ऐसी है जैसे फौलाद कि वो अपनी जात में मजबूती और इस्तेकाम रखता है और अगर कोई कारगर हथियार बन सकता है तो उसी से बन सकता है कता नजर इसके कि वो गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो या सही मकसद के लिए आपके पेश नजर सही मकसद हो तब भी आपके लिए मुफीद हथियार वही हो सकता है जो फौलाद से बना हुआ हो न कि सड़ी गली फुस लकड़ी से जो एक जरा से बोझ और मामूली सी चोट की भी ताब ना ला सकती हो यही वो बात है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है कि ख़ैर फिल जाहलिया ख़ैर फिल इस्लाम कि तुम में जो लोग जाहलीत में अच्छे थे वही इस्लाम में भी अच्छे हैं यानी जमाने जाहलीत में भी लोग अपने अंदर जौहर काबिल रखते थे वही जमाने इस्लाम में मरदान साबित हुए फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी काबिलियतें पहले गलत राहों पर सर्फ हो रही थी और इस्लाम ने आकर उन्हें सही राह पर लगा दिया मगर बहरहाल नाकारा इंसान न ना जाहलीत के किसी काम के थे और न इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम को अरब में जो जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और जिसके असरा थोड़ी ही मुद्दत गुजरने के बाद दरियाए सिंध से लेकर एटलांटिक के साहिल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से ने महसूस कर लिए उसकी वजह यही तो थी कि आपको अरब में बेहतरीन इंसानी मवाद मिल गया था जिसके अंदर करैक्टर की जबरदस्त ताकत मौजूद थी अगर खुदा न खास्ता आपको बोदे, कम हिम्मत जयफुल इरादा और नाकबले एतमाद लोगों की भीड़ मिल जाती तो क्या फिर भी वो नतज निकल सकते थे इस्लामी अखलाकियात अब अखलाकियात के दूसरे शोबे को लीजिए जिसे मैं इस्लामी अखलाकियात के लफ से ताबीर कर रहा हूँ ये बुनियादी इंसानी अखलाकियात से अलग कोई चीज नहीं है बल्कि उसकी तस्खी और तकमील है इस्लाम का पहला काम यह है कि वो बुनियादी इंसानी अखलाकियात को एक सही मरकज़ व महवर मुहैया कर देता है जिससे वाबस्ता होकर वो सरापा खैर बन जाते हैं अपनी इब्तदाई सूरत में तो ये अखलाकियात मुजरत एक क़वत हैं जो खैर भी हो सकती है और शर भी जिस तरह तलवार का हाल यह है कि वह बस एक काट है जो डाकू के हाथ में जाकर आला झुलम भी बन सकती है और मुजाहिद फी सभी के हाथ में जाकर वसीला खैर भी इसी तरह इन अखलाकियात का भी किसी शख्स या ग्रोह में होना बजाय खुद खैर नहीं है बल्कि इसका खैर होना मौकूफ़ है इस अमर पर कि यह क़ुत सही राह में सर्फ़ हो और उसको सही राह पर लगाने की खदमत इस्लाम अंजाम देता है इस्लाम की दावत तोहैद का लाजमी तकाजा यह है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान की तमाम कोशिशों और मेहनतों का और उसकी दौड़ धूप का मकसद वहीद अल्ला की रजा का हसूल हो व इई का न सा व नहफिदू और इसका पूरा दायरा फिक्रमल इन हदूद से महदूद हो जाए जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर कर दी हैं इका ना अबुदु वल कसली व नस्जुद इसी असासी असलाह का नतीजा यह है कि वह तमाम बुनियादी अखलाकियात जिनका भी मैंने आपसे जिक्र किया है सही राह पर लग जाते हैं और वह क़ुवत जो इन अखलाकियात की मौजूदगी से पैदा होती है बजाय इसके नफ्स या खानदान या कौम या मुल्क की सरबुलंदी पर हर मुमकिन तरीके से सर्फ हो खालस हक की सरबुलंदी पर सिर्फ जायज़ तरीक़ों से ही सर्फ होने लगती है यही चीज़ इसको एक मुजरत कुत के मरतबे से उठाकर ईजाबन एक भलाई और दुनिया के लिए एक रहमत बना देती है दूसरा काम जो अखलाक के बाब में इस्लाम करता है वो ये है कि वह बुनियादी इंसानी अखलाकियात को भी मुस्कम करता है और फिर इनके इतलाक को इंतहाई हदूद तक वसी भी कर देता है मिसाल के तौर पर सब्र को लीजिए बड़े से बड़े साबिर आदमी में भी जो सब्र दुनियावी अगराज के लिए हो उसकी बर्दाश्त और उसके सबात और करार की बस एक हद होती है जिसके बाद वो घबरा उठता है लेकिन जिस सब्र को तो की जड़ से गजा मिले और जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्लम के लिए हो वह तहमल्ल बर्दाश्त और पामर्दी का एक अथहा खजाना होता है जिसे दुनिया की तमाम मुमकिन मुश्किल भी मिलकर लूट नहीं सकती फिर गैर मुस्लिम का सब्र नहायत महदूद नोयीत का होता है उसका हाल ये होता है कि अभी तो गोलों और गोलियों के बौछाड़ में नहायत इस्तलाल के साथ डटा हुआ था और अभी जो जज्बाते शाहवानी की तस्किन का कोई मौका सामने आया तो नफ्स मारा की एक मामूली तहरीक के मुकाबले में भी न ठहर सका लेकिन इस्लाम सब्र को इंसान की पूरी जिंदगी में फैला देता है और उसे सिर्फ चंद मखसूस किस्म के खतरा मसायब और मुश्किल ही के मुकाबले में नहीं बल्कि हर उस लालच हर उस खौफ और हर उस अंदेशे और हर उस ख्वाहिश के मुकाबले में ठहराव की एक जबरदस्त ताकत बना देता है जो आदमी को राहरास से हटाने की कोशिश करे दर हकीकत इस्लाम मोमिन की पूरी जिंदगी को एक साबिराना जिंदगी बनाता है जिसका बुनियादी उसूल यह है कि उम्र भर सही तर्ज अमल पर कायम रहो खा इसमें कितने ही ख़तरात नुकसान और मुश्किल हों और इस दुनिया की जिंदगी में इसका कोई मुफीद नतीजा निकलता नजर न आए और कभी फिक्र अमल की बुराई अख्तियार न करो खा फायदों और उम्मीदों का कैसा ही खुशनुमा सब्ज़ बाग तुम्हारे सामने लहलहा रहा हो यह आखरत के कती नतज की तो दुनिया की सारी जिंदगी में बदी से रुकना और खैर की राह पर जमकर चलना इस्लामी सब्र है और इसका जहूर लाजिमन इन शक्लों में भी होता है जो बहुत महदूद पैमाने पर कुफार की जिंदगी में नजर आती है इसी मिसाल पर दूसरे तमाम बुनियादी अखलाकियात को भी आप कयास कर सकते हैं कुफर की जिंदगी में सही फिक्री बुनियाद न होने की वजह से वो जयफ़ और महदूद होते हैं और इस्लाम इन सब को एक सही बुनियाद देकर मुहकम भी करता है और वसी भी कर देता है इस्लाम का तीसरा काम यह है कि वह बुनियादी अखलाकियात की इब्तदाई मंजिल पर अखलाक फाजिला की एक नहायत शानदार बालाई मंजिल तमीर करता है जिसकी बदौलत इंसान अपने शरफ़ की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच जाता है वो इसके नफ्स को खुद गर्जी से नफसानियत से जुल्म से बेहयाई और ख़लात और बेक़ैदी से पाक कर देता है और इसमें खुदा परस्ती, तकवा परहेजगारी और हक परस्ती पैदा करता है उसके अंदर ज़िम्मेदारियों का शौर व एहसास उभारता है उसको ज़ब्त नफ्स का खूगर बनाता है उसे तमाम मखलूक़ के लिए करीम फयाज़ रहीम हमदर्द अमीन बे गरज खैर खा बेलौस मुनसिफ और हर हाल में सादिक रात बास बना देता है और उसमें एक ऐसी बुलंद पाया सीरत परवरिश करता है जिससे हमेशा सिर्फ भलाई की तो हो और बुराई का कोई अंदेशा न हो फिर इस्लाम आदमी को महज नेक ही बनाने पर इतफा नहीं करता बल्कि हदीसी रसूल सल सल्लाम के अल्फाज में वो उसे मफताह खैर मग़लाक शर भलाई का दरवाज़ा खोलने वाला और बुराई का दरवाज़ा बंद करने वाला बनाता है यानी वो ईजाबन ये मिशन उसके स्पर्द करता है कि दुनिया में भलाई फैलाए और बुराई को रोके इस सीरत अखलाक में फितरतन वो हसन है वो कशिश है वो बला की क़वत तस्खीर है कि अगर कोई मुनज़म जमात इस सीरत की हामिल हो और अमला इस मिशन के लिए भी काम करे जो इस्लाम ने उसके सपुरद किया है तो उसकी जहांगीरी का मुकाबला करना दुनिया की किसी क़वत के बस का काम नहीं सन्नतुल्ला दरबाब इमामत का खुलासा अब मैं चंद अलफाज में इस सन्नतुल्ला को बयान किए देता हूँ जो इमामत के बाब में इबदायी आफरीनर से जारी है और जब तक नौ इंसानी अपनी मौजूदा फितरत पर जिंदा है उस वक्त तक बराबर जारी रहेगी और वो ये है अगर दुनिया में कोई मुनज़म इंसानी ग्रोह ऐसा मौजूद न हो जो इस्लामी अखलाकियात और बुनियादी इंसानी अखलाकियात दोनों से आरास्ता हो और फिर मादी इस्बाब वसायल भी इस्तेमाल करे जो दुनिया की इमामत और क्यादत लाजिमन किसी ऐसे ग्रोह के कब्जे में दे दी जाती है जो इस्लामी अखलाकियात से चाहे बिल्कुल ही आ रही हो लेकिन बुनियादी इंसानी अखलाकियात और मादी इस्बाब वसायल के अतबार से दूसरों की बनस्बत ज्यादा बढ़ा हुआ हो क्योंकि अल्लाह तहरहाल अपनी दुनिया के इंतज़ाम चाहता है और ये इंतज़ाम इसी ग्रोह के सपुरद किया जाता है जो मौजूदा गिरोहों में अहलतर हो लेकिन अगर कोई मुनज़म ग्रोह ऐसा मौजूद हो जो इस्लामी अखलाकियात और बुनियादी इंसानी अखलाकियात दोनों में बाकी मानदा इंसानी दुनिया पर फजीलत रखता हो और वह मादी असबाब वसायल के इस्तेमाल में भी कोताही न करे तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि उसके मुकाबले में कोई दूसरा ग्रोह दुनिया की इमामत क़्यादत तो पर काबिज रह सके ऐसा होना फ़ितरत के खिलाफ है अल्लाह की इस सुन्नत के खिलाफ है जो इंसानों के मामले में उसने मुकर कर रखी है उन वादों के खिलाफ है जो अल्लाह ने अपनी किताब में मोमिन ने साल से किए हैं और अल्लाह हर हरगिज फसाद पसंद नहीं करता कि उसकी दुनिया में एक साल ग्रोह इंतजाम आलम को ठीक ठीक उसकी रजा के मुताबिक दुरुस्त रखने वाला मौजूद हो और फिर भी वो मुफसिदों की हाथ में ही इस इंतजाम की बाग ढोर रहने दे मगर ये ख्याल रहे कि इस नतीजे का जहूर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब एक जमात साल इन औसाफ की मौजूद हो किसी एक साल फर्द या मुतफर्रक तौर पर बहुत सारे साल अफराद के मौजूद होने से अर्ज का निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता ख्वाब अफराद अपनी जगह कैसे ही जबरदस्त अलियाल्ला बल्कि पैगम्बर ही क्यों ना हो अल्लाह ने इस्तलाफ के मुतल जितने वादे भी किए हैं मुंतशर व मतफर्रक अफराद से नहीं बल्कि एक जमात से किए हैं जो दुनिया में अपने आप को अमलन खैर उम्मत और उम्मत वस्त साबित कर दें नीज ये भी जहन नशीन रहे कि ऐसे एक ग्रोह के महज वजूद में आ जाने से ही निज़ाम इमामत में तगैर वाक़ नहीं हो जाएगा कि उधर वह बने और इधर अचानक आसमान से कुछ फरिश्ते उतरें और फुस्साको फार को अकदार की गद्दी से हटाकर उन्हें मसंद नशीन कर दें बल्कि इस जमात को कुफ़्र फिस की ताकतों से ज़िंदगी के हर मैदान में हर हर कदम पर कशमकश और मुजाह करना होगा और अकामत हक की राह में हर किस्म की कुर्बानियां देकर अपनी मोहब्बत हक और अपनी अहलियत का सबूत देना पड़ेगा ये ऐसी शर्त है जिससे अम्बिया तक मुस्तना न रखे गए कुछा के आज कोई इससे मुस्तना होने की तो करे बुनियादी अखलाकियात और इस्लामी अखलाकियात की ताकत का फर्क मादी ताकत और अखलाकी ताकत के तनासब के बाब में कुरान और तारीख के गैर मुताल से जो सुन्नत में समझा हूं वो यह है कि जहाँ अखलाकी ताकत का सारा इहसार सिर्फ बुनियादी इंसानी अखलाकियात पर हो वहाँ मादी वसायल बड़ी अहमियत रखते हैं हती अमर का भी इम्कान है कि अगर एक गिरोह के पास मादी वसायल की ताकत बहुत ज्यादा हो तो वो थोड़ी अखलाकी ताकत से भी दुनिया पर छा जाता है और दूसरे ग्रोह अखलाकी ताकत में फायक तर होने के बावजूद महज वसायल की कमी के बायस दबे रहते हैं लेकिन जहां अखलाकी ताकत में इस्लामी और बुनियादी दोनों किस्म के अखलाकियात को जोर शामिल हो वहां मादी वसाइल की इन कमी के बावजूद अखलाक को आखिरकार इन तमाम ताकतों पर गलबा हासिल होकर रहता है जो मुजरद बुनियादी अखलाकियात और मादी सरोसामान के बलबोते पर उठी हों इस नस्बत को यूं समझिए कि बुनियादी अखलाकियात के साथ अगर सौ दर्जे मादी ताकत की जरूरत होती है तो इस्लामी और बुनियादी अखलाकियात की मजमू कवत के साथ सिर्फ पच्चीस दर्जे मादी ताकत काफ़ी हो जाती है बाकी पचहत्तर फीसदी कुत की कमी को महज इस्लामी अखलाक का जोर पूरा कर देता है बल्कि नबी अक्रम अहद का तजुर्बा तो ये बताता है कि इस्लामी अख्लाक अगर इस पैमाने का हो जो हजूर सल्ला वसलम और आपके सहाबा का था तो सिर्फ दस फीसदी मादी ताकत से भी काम चल सकता है यही हकीकत है जिसकी तरफ आयत इन यकुम मिनकुम अशरून शाबरून यतयन में इशारा किया गया है यह आखिरी बात जो मैंने अर्ज़ की है उसे महज खुश अकीदगी पर ममूल न कीजिए और न यह गुमान कीजिए कि मैं किसी मॉजे और करामत का आपसे जिक्र कर रहा हूँ नहीं ये एक बिल्कुल फितरी हकीकत है जो इसी आलम इसबाब में क़ानून मालूल के तहत पेश आती है और हर वक्त रूनमा हो सकती है अगर इसकी इल्लत मौजूद हो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले चंद अल्फाज में उसकी तशरी कर दूँ कि इस्लामी अखलाकियात से जिनमें बुनियादी अखलाकियात खुद बखुद शामिल हैं मादी इस्बाब की पचहत्तर फीसदी बल्कि नबे फीसदी कमी किस तरह पूरी हो जाती है इस चीज को समझने के लिए आप जरा खुद अपने जमाने ही की बैन अवी सूरत हाल पर एक निगाह डालकर देख लीजिए अभी आपके सामने वह फसाद अजीम जो आज से साढ़े पांच साल पहले शुरू हुआ था जर्मनी की शिक्ष पर ख़त्म हुआ और जापान की शिक्ष भी करीब नजर आ रही है जहां तक बुनियादी अखलाकियात का ताल्लुक है इसके अतबार से इस फसाद के दोनों फरीक़ तकरीबन मसावी हैं बल्कि बादज पहलुओं से जर्मनी और जापान ने अपने हरीफों के मुकाबले में ज्यादा जबरदस्त अखलाक ताकत का सबूत दिया है जहां तक उलूम तबीयी और उसके अमली इस्तेमाल का ताल्लुक है इसमें भी दोनों फरीक बराबर है बल्कि इस मामले में कम अज कम जर्मनी की फोकियत तो किसी से मख् नहीं है मगर सिर्फ एक चीज़ है जिसमें एक फरीक दूसरे फरीक़ से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वह है मादी इसबाब की मवाफिकत इसके पास आदमी अपने दोनों हरीफों जर्मनी और जापान से कई गुना ज्यादा हैं उसको मादी वसाइल उनकी बनस्बत बदरजहाँ ज्यादा हासिल है उनकी जोग्राफी पोजीशन उनसे बेहतर है और उसको तारीख़ी इस्बाब ने उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर हालात फराम कर दिए हैं इसी वजह से उसे फ़ता नसीब हुई है और इसी वजह से आज किसी ऐसी कौम के लिए भी जिसकी तादाद कम हो और जिसकी दस्तरस में मादी वसायल कम हों इस अमर का कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि वो कसीरु तादाद, कसर कसर कौमों के मुकाबले में सर उठा सके ख़ाह बुनियादी अखलाकियात में और तबयहीलूम के इस्तेमाल में उनसे कुछ बढ़कर ही क्यों न जाए इसलिए कि बुनियादी अखलाकियात और तबी लूम के बल पर उठने वाली कौम का मामला दो हाल से खाली नहीं हो सकता या तो वह खुद अपनी कौमियत की परस्तार होगी और दुनिया को अपने लिए मुसर करना चाहेगी या फिर वो कुछ आलमगीर उसूलों की हामी बनकर उठेगी और दूसरी कौमों को इनकी तरफ दावत देगी पहली सूरत में तो उसके लिए कामयाबी की कोई शक्ल बजुस उसके नहीं है कि वो मादी ताकत और वसायल में दूसरों से फायतर हो क्योंकि वह तमाम कुतें जिन पर इसके हिरसे अकतदार की जद पड़ रही होगी इंतहाई गुस्सा और नफरत के साथ उसकी मुजामत करेंगी और उसका रास्ता रोकने में अपनी हद तक कोई कसर ना उठा रखेंगी रही दूसरी सूरत तो इसमें बिलाशुबा इसका इम्कान तो ज़रूर है कि कौमों के दिलो दिमाग ख़ुद ब खुद उसकी उसूली दावत से मुसख़र होते चले जाए और उसे मज़ाहमतों को रास्ते से हटाने में बहुत थोड़ी सी क़वत इस्तेमाल करनी पड़े लेकिन ये याद रहना चाहिए कि दिल सिर्फ चंद खुश आयद उसूलों ही से मुशर नहीं हो जाया करते बल्कि उन्हें मुसक्र करने के लिए वह हकीकी खैर खाही नकनीति रास्तबाजी बेगर्जी फराख दिली फ़याजी हमदर्दी और शराफत अदालत दरकार है जो जंग और सुलो, फ़तह और शिकस्त, दोस्ती और दुश्मनी तमाम हालात की कड़ी आजमाइशों में खरी और बेलो साबित हो और ये चीज़ अखलाक फ़ाज़िला की उस बुलंद मंजिल से ताल्लुक़ रखती है जिसका मकाम बुनियादी अखलाकियात से बहुत पतर है यही वजह है कि मुजर्रद बुनियादी अखलाकियात और मादी ताकत के बल पर उठने वाले खा खुले कौम परस्त हों या पोशीदा कौम परस्ती के साथ कुछ आलमगीर उसूलों की दावत और हिमायत का ढोंग रचाएं आखिरकार उनकी सारी जद्दुहद और कशमकश खालस शख्सी या तबकाती या कौमी खुदगर्जी पर ही आठहरती है जैसा कि आज आप अमरीका बरतानिया और रूस की सियासत खारजिया में नुमाया तौर पर देख सकते हैं ऐसी कश्मकश में ये एक बिल्कुल फित्री अमर है कि हर कौम दूसरी कौम के मुकाबले में एक मज़बूत चटान बनकर खड़ी हो जाए और अपनी पूरी अखलाकी और मादी ताकत उसकी मुजाहमत में सर्फ कर दे और अपने हदूद में उसको हरगज़ राह देने के लिए तैयार ना हो जब तक के मुखालिफ की बर्तर मादी कुत उसको पीस कर न रख दे अच्छा आप जरा तसर कीजिए किसी माहौल में एक ऐसा गिरोह खा वब्तदा एक ही कौम में से उठा हो मगर कौम की हैसियत से नहीं बल्कि एक जमायत की हैसियत से उठा हो पाया जाता हो जो शख्सी तबकती और कौमी खुद गर्जियों से बिल्कुल पाक है और उसकी सही और जोहद की कोई गरज़ इसके सिवा कुछ नहीं कि वो नोए इंसानी की फलाह चंद उसूलों की पैरवी में देखता है और इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम उन पर कायम करना चाहता है उन उसूलों पर जो सोसाइटी वो बनाता है उसमें कौमी और वतनी और तबकती और नस्ली इम्तियाजा बिल्कुल मफकूद हैं तमाम इंसान इसमें यकस हकूक़ और मसावी हैसियत से शामिल हो सकते हैं उसमें रहनमायी क्यादत का मनसब हर उस शख्स या मजमू अशास को हासिल होता है कुछ इन उसूलों की पैरवी में सब पर फोकियत ले जाए क़ता नज़र इससे कि उसकी नस्ली वतनी कौमियत कुछ ही हो हती कि इसमें इस अमर का भी इम्कान है कि अगर मफतूह ईमान लाकर अपने आप को साल साबित करते तो फातः अपनी सरफरोशियों और जानफेशानियों के सारे समरात उसके कदमों में लाकर रख दे और उसको इमाम मानकर खुद मख्ती बनना कबूल कर ले ये ग्रोह जब अपनी दावत लेकर उठता है तो वो लोग जो उसके उसूलों को चलने देना नहीं चाहते उसकी मज़ात करते हैं और इसी तरह फरीक़ैन में कशमकश शुरू हो जाती है मगर इस कशमकश में जितनी शिद्दत बढ़ती चली जाती है ये ग्रोह अपने मुखालिफों के मुकाबले में उतना ही ज्यादा अफजलो अशरफ अखलाक का सबूत देता चला जाता है वो अपने ही तर्ज अमल से साबित कर देता है कि वाकई वो खलकुल्लाह की भलाई के सिवा कोई दूसरी गरज पेश नज़र नहीं रखता उसकी दुश्मनी अपने मुखालफों की ज़ या कौमियत से नहीं बल्कि सिर्फ उनकी जलालत गुमराही से है जिसे वो छोड़ दे तो अपने खून के प्यासे दुश्मन को भी सीने से लगा सकता है उसे लालच उनके माल और दौलत या उनकी तजारत सन्नत का नहीं बल्कि खुद उन्हीं की अखलाकी और रूहानी फलाह का है जो हासिल हो जाए तो इनकी दौलत उन्हें मुबारक कर दे वो सख्त से सख्त आजमाइश के मौकों पर भी झूठ दगा और मकर वफरेब से काम नहीं लेता टेढ़ी चालों का जवाब भी सीधी तदबीरों से देता है इंतकाम के जोश में भी जुल्म ज्यादती पर आमादा नहीं होता जंग के सख्त लम्हों में भी अपने उसूलों की पैरवी नहीं छोड़ता जिनकी दावत देने के लिए वो उठा है सच्चाई वफाए अहद और हसन मामलत पर हर हाल में कायम रहता है बेलाग इंसाफ करता है और अमानत व दयानत के इस मैार पर पूरा उतरता है जिसे इब्तदान उसने दुनिया के सामने मैार की हैसियत से पेश किया था मुखालफी की जानी शराबी जुआारी और संग दिलो बेरहम फौजों से जब इस ग्रोह के खुदा तर्स पाकबाज इबादत गुजार नेक दिल और रहीम करी मुजाहिदों का मुकाबला पेश आता है तो फर्दन फर्दन उनकी इंसानियत उनकी दरंदगीवानियत पर फ़ायक नज़र आती है वो उनके पास ज़ख्मी या कैदी होकर आते हैं तो यहाँ हर तरफ नेकी शराफ़त और पाकिजगी अखलाक का माहौल देख कर उनके आलूदा नजासत रूहें भी पाक होने लगती हैं और ये वहाँ गिरफ्तार होकर जाते हैं तो उनका जौहर इंसानियत इस तारिक माहौल में और ज़्यादा चमक उठता है उनको किसी इलाके पर गलबा हासिल होता है तो मफतूह आबादी को इंतकाम की जगह अफ़ जोर की जगह रहमो इंसाफ शकावत की जगह हमदर्दी तकबर नखवत की जगह हिल्मों गालियों की जगह दावत खैर झूठे प्रोपैगंडो की जगह उस हक की तबलीग का तजुर्बा होता है और वो देख कर अश अश करने लगते हैं कि फात सिपाही न उनसे औरतें मांगते हैं न दबे पाओ माल टो टोलते फिरते हैं ना उनकी माशी ताकत को कुचलने की फिक्र होती है ना उनकी कौमी इज्जत को ठोकर मारते हैं बल्कि उन्हें अगर कुछ फिक्र है तो ये कि जो मुल्क अब उनके चार्ज में है उसके बाशिंदों में से किसी की इज़्ज़त खराब न हो किसी के माल को नुकसान न पहुंचे कोई अपने जायज़ हकूक से महरूम न हो कोई बदखला की उनके दरमियान परवरिश न पा सके और इज्तमाहीुलज़र किसी शक्ल में भी वहाँ बाकी न रहे बखिलाफ इसके जब फरीक मुखालफ किसी इलाके में घुस आता है तो सारी आबादी उसकी ज्यादतियों और बेरहमियों से चीख उठती है अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि ऐसी लड़ाई में कौम परस्ताना लड़ाइयों की बनस्पत कितना बड़ा फर्क वाक हो जाएगा जाहिर है कि ऐसे मुकाबले में बाला तर इंसानियत कमतर मादी बावजूद अपने मुखालिफों के आहन पोश हैवानियत को आखिरकार शिकस्त देकर रहेगी अखलाके फाजला के हथियार तफंग से ज्यादा दूर मार साबित होंगे ऐन हालत जंग में दुश्मन दोस्तों में तब्दील होंगे जिस्मों से पहले दिल मुसखर होंगे आबादियों की आबादियाँ लड़े भिड़े बगैर मफतू हो जाएंगे और ये साले गुरु जब एक मरतबा मुठ्ठी भर जमाईत और थोड़े से सरो सामान के साथ अपना काम शुरू कर देगा तो रफ्ता रफ्ता खुद मुखालिफ कैंप ही से उसको जनरल सिपाही माहरीन फनून असल और रसद सामान जंग सब कुछ हासिल होते चले जाएंगे ये जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये निरा कयास और अंदाज़ा नहीं बल्कि अगर आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल्म और खलफ़ राशदीन के दौरे मुबारक की तारीख़ी मिसाल मौजूद हो तो आप पर वाज हो जाएगा कि फिलवा इससे पहले यही कुछ हो चुका है और आज भी यही कुछ हो सकता है बशर्ते के किसी में ये तज् करने की हिम्मत हो हज़रात मुझे तो है कि इस तकरीर से ये हकीकत आपके जहन नशीन हो गई होगी कि ताकत का असल मनबा अखला ताकत है अगर दुनिया में कोई मुनज़म गिरोह ऐसा मौजूद हो जो बुनियादी अखलाकियात के साथ इस्लामी अखलाकियात का जोर भी अपने अंदर रखता हो और मादी वसायल से भी काम ले तो ये बात अकलन महाल और फितरतन गैर मुमकिन है कि उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा गिरोह दुनिया की इमामत क़्यादत पर काबिज रह सके इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी अच्छी तरह समझ लिया होगा कि मुसलमानों की मौजूदा पस्तहाली का असल सबब क्या है जाहिर बात है जो लोग ना मादी वसायल से काम लें ना बुनियादी अखलाकियात से आरास्ता हों और ना इजमाही तौर पर उनके अंदर इस्लामी अखलाकियात ही पाए जाएं वो किसी तरह भी इमामत के मनसब पर फायज नहीं रह सकते खुदा की अटल बेलाग सुन्नत का तकाजा यही है कि उन पर ऐसे काफरों को तरजीह दी जाए जो इस्लामी अखलाकियात से आरी सही मगर कम अज़ कम बुनियादी अखलाकियात और मादी वसायल के इस्तेमाल में तो उनसे बड़े हुए हैं और अपने आप को उनके बनिस्बत इंतजाम दुनिया के लिए अहल तर साबित कर रहे हैं इस मामले में अगर आपको कोई शिकायत हो तो सुन्नत से नहीं बल्कि अपने आप से होनी चाहिए और इस शिकायत का नतीजा ये होना चाहिए कि अब आप इस खामी को दूर करने की फिक्र करें जिसने आपको इमाम से मुख्त और पेश रो से पस रव बनाकर छोड़ा है इसके बाद जरूरत है कि मैं साफ और वाज तरीके से आपके सामने इस्लामी अखलाकियात की बुनियादों को भी पेश कर दूं क्योंकि मुझे, मुझे मालूम है के इस मामले में आम तौर पर मुसलमानों के तस्वुरा बुरी तरह उलझे हुए हैं इस उलझन की वजह बहुत ही कम आदमी ये जानते हैं कि इस्लामी अखलाकियात का नाम है और इस पहलू से इंसान की तरबियत तकमील के लिए क्या चीजें किस तरतीब तदरीद के साथ उनके अंदर परवरिश करनी चाहिए इस्लामी अखलाकियात के चार मरातब जिस चीज को हम इस्लामी अखलाकियात से ताबीर करते हैं वह कुरानो हदीस की रूह से दरअसल चार मराते पर मुश्तमिल है नंबर एक ईमान नंबर दो इस्लाम नंबर तीन तकवा नंबर चार एहसान ये चारों मराते यक बाद इस फित्री तरतीब पर वाक़ है कि हर बात का मरतबा पहले मरतबे से पैदा होता है और लाजिमन इसी पर कायम होता है और जब तक नीचे वाली मंजिल पुख्ता और वमहकम न हो जाए दूसरी मंजिल की तमीर का तस्वर तक नहीं किया जा सकता इस पूरी इमारत में ईमान को बुनियाद की हैसियत हासिल है इस बुनियाद पर इस्लाम की मंजिल तामीर होती है और फिर इसके ऊपर तकवा और सबसे ऊपर एहसान की मंजिलें उठती हैं ईमान न हो तो इस्लाम व तकवा एहसान का सिरे से कोई इम्कान ही नहीं ईमान कमज़ोर हो तो इस पर किसी बालाई मंजिल का बोझ नहीं डाला जा सकता या ऐसी कोई मंजिल तामीर कर भी दी जाए तो बुद्धि और मुतजल होगी ईमान महदूद हो तो जितने हदूद में वो महदूद होगा इस्लाम तकवा और एहसान भी बस उन्हीं हदूद तक महदूद रहेंगे बस जब तक ईमान पूरी तरह सही पुख्ता और वसी न हो कोई मर्द आक़िल जो दीन का फहम रखता हो इस्लाम तकवा या एहसान की तामीर का ख्याल नहीं कर सकता इसी तरह तकवा से पहले इस्लाम और एहसान से पहले तकवा की तस्ही, पुख्तगी और तो ज़रूरी है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस फित्री वसूली तरतीब को नज़रअाज़ करके ईमान और इस्लाम की तकमील के बग़ैर तकवाहसान की बातें शुरू कर देते हैं और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि बिलमूम लोगों के जहनों में ईमान और इस्लाम का एक नहायत महदूद तस्वूर जागुजी है इसी वजह से वह समझते हैं कि महज वज़ाक़त लिबास नशस्त बरखास्त अकल शुरब और ऐसी ही चंद ज़ाहरी चीज़ों को एक मकर नक्शे पर ढाल लेने से तकवा की तकमील हो जाती है और फिर इबादत में नवाफिल व असकार और वजायफ़ और ऐसे ही बाज आमाल इख्तियार कर लेने से एहसान का बुलंद मकाम हासिल हो जाता है हालांकि बसा अवकात इसी तकवा और एहसान के साथ साथ लोगों की जिंदगियों में ऐसी सरीह अभी भी नजर आती हैं जिनसे पता चलता है कि अभी इनका ईमान ही सिरे से दुरुस्त और पुख्ता नहीं हुआ ये गलतियां जब तक मौजूद हैं किसी तरह ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम इस्लामी अखलाकियात के निसाब पूरा करने में कभी कामयाब हो सकेंगे लिहाजा ये जरूरी है कि हमें ईमान इस्लाम तकबा और एहसान के इन चारों मरातब का पूरा पूरा तसवर हासिल हो और उसके साथ हम उनकी फितरी तरतीब को भी अच्छी तरह समझ लें ईमान इस सिलसिले में सबसे पहले ईमान को लीजिए जो इस्लामी जिंदगी की बुनियाद है हर शख्स जानता है कि तोहहीद रिसालत केकरार का नाम ईमान है अगर कोई शख्स इसका इकरार करे तो इससे वह कानूनी शर्त पूरी हो जाती है जो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए रखी गई है और वो इसका मुस्तक हो जाता है कि इसके साथ मुसलमानों का सा मामला किया जाए मगर क्या यही सादा अकरार जो एक कानूनी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफी है इस गरज के लिए भी काफी हो सकता है कि इस्लामी जिंदगी की सारी से मंजिला इमारत सिर्फ इसी बुनियाद पर कायम हो सके लोग ऐसा ही समझते हैं और इसीलिए जहां यहार मौजूद होता है वहां अमली इस्लाम और तखबा और एहसान की तमीर शुरू कर दी जाती है जो अक्सर हवाई किला से ज्यादा पायदार साबित नहीं होती लेकिन फिलवा एक मुकम्मल इस्लामी जिंदगी की तामीर के लिए यह नागजीर है कि ईमान अपनी तफसीलात में पूरी तरह वसी और अपनी गहराई में अच्छी तरह मुस्कम हो ईमान की तफसीलात में से जो शोबा भी छूट जाएगा इस्लामी जिंदगी का वही शोबा तामीर होने से रह जाएगा और उसकी गहराई में जहां भी कसर रह जाएगी इस्लामी जिंदगी की इमारत इसी मकाम पर बोधी साबित होगी मिसाल के तौर पर ईमान बिल्ला को देखिये जो दीन की अवलीन बुनियाद है आप देखेंगे कि खुदा के अकरार अपनी सादा सूरत से गुजर कर जब तफसीला में पहुंचता है तो लोगों के जहन में उसकी बेशुमार सूरतें बन जाती हैं कहीं वो सिर्फ इस हद तक खत्म हो जाता है कि बेशक खुदा मौजूद है और दुनिया का खालिख है और अपनी ज़ात में अकेला है कहीं उसकी इंतहा वसूत बस इतनी होती है कि खुदा हमारा मबूद है और हमें उसकी परसिश करनी चाहिए कहीं खुदा की सिफात और उसके हकूक इख्तियारसव कुछ ज्यादा वसी होकर भी इससे आगे नहीं बढ़ता कि आलिमुलग़ैब समय बसीर स दावा काजीजा और, काजी और, और परस्तिश की तमाम जुजी शक्लों का मुस्तक होने में खुदा का कोई शरीक नहीं और यह कि मजहबी मामला में आखिरी सनत खुदा ही की किताब है जाहिर है कि इन मुख्तिक तस्वर से एक ही तर्ज की जिंदगी नहीं बन सकती बल्कि जो तस्वर जितना महदूद है अमली जिंदगी और अखलाक में भी लाजिमा इस्लामी रंग इतना ही महदूद होगा हती कि जहां आम मजहबी तस्वूर के मुताबिक ईमान बिल्ला अपनी इंतहाई वसत पर पहुंच जाएगा वहां भी इस्लामी जिंदगी इससे आगे न बढ़ सकेगी के खुदा के बाग़ियों की वफ़ादारी और खुदा की वफ़ादारी एक साथ की जाए यानी निज़ाम कुफर या निज़ाम इस्लाम को सोकर एक मरक्ब बना लिया जाए इसी तरह ईमान बिल्ला की गहराई का पैमाना भी मुख्तलि है कोई खुदा पेकरार करने के बावजूद अपनी किसी मामूली से मामूली चीज़ को भी खुदा पर कुर्बान करने के लिए आमादा नहीं होता कोई बाज चीज़ों से खुदा को अजीज़ तर रखता है लेकिन बाज चीज़ें उसे खुदा से ज्यादा अजीज़ तर होती हैं कोई अपनी जानो माल तक खुदा पर कुर्बान कर देता है मगर अपने रुझानते नफ्स और अपने नजरियात और अफकार की कर्बानी या अपनी शहरत की कुरबानी उसे गंवारा नहीं होती ठीक ठीक इसी तनासब से इस्लामी जिंदगी की पायदारी व नापायदारी भी मुतयन होती है और इंसान का इस्लामी अखलाक ठीक उसी मकाम पर दगा दिया जाता है जहां उसके नीचे ईमान की बुनियाद कमजोर रह जाती है एक मुकम्मल इस्लामी जिंदगी की इमारत अगर उठ सकती है तो सिर्फ इसी इकरार तोहद पर उठ सकती है जो इंसान की पूरी अनफरादी और इज्तमाही जिंदगी पर वसी हो जिसके मुताबिक इंसान अपने आप को अपनी हर चीज को खुदा की मिल्क समझे इसको अपना और तमाम दुनिया का एक ही जायज़ मालिक मबूद मुता और साहिब अमरो नहीं तस्लीम करे इसी को हिदायत का सरचशमा माने और पूरे शौर के साथ इस हकीकत पर मुतमिन हो जाए कि खुदा की इत से इन्हराफ या उसकी हिदायत से बेन्याजी या उसकी ज़ात सिफात और हकूक इख्तियारे गैर की शिरकत जिस पहलू और जिस रंग में भी है सरासर जलालत है फिर इस इमारत में अगर इस्तेकाम पैदा हो सकता है तो सिर्फ उसी वक्त कि जब आदमी पूरे शूर और पूरे इरादे के साथ ये फैसला करे कि वो और इसका सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ही के लिए है अपने मयार पसंद व नापसंद को खत्म करके अल्लाह की पसंद व नापसंद किताबें कर दे अपनी खुदसरी को मिटाकर अपने नजरियात और ख्याल ख्वाहिशात और जज्बात और अंदाज फिक्र को इस इल्म के मुताबिक ढाल ले जो खुदा ने अपनी किताब में दिया है अपनी तमाम उन वफादारियों को दरिया बुरद कर दे जो खुदा की वफादारी के ताबे ना हो बल्कि उसके मद्दे मुकाबिल बनी हुई हो या बन सकती हो अपने दिल में सबसे बुलंद मकाम पर खुदा की मोहब्बत को बिठाए और हर उस बुत को ढूंढ ढूंढ कर अपने निहान खाना दिल से निकाल फेंके जो खुदा के मुकाबले में अजीज तर होने का मुतालबा करता हो अपनी मोहब्बत और नफरत अपनी दोस्ती और दुश्मनी अपनी रगबत और कराहियत अपनी सुलह और जंग हर चीज को खुदा की मर्जी में इस तरह गुम कर दे कि उसका नफ्स वही चाहने लगे जो खुदा चाहता है और उसी से भागने लगे जो खुदा को नापसंद है यह है ईमान बिल्ला का हकी मरतबा और आप खुद समझ सकते हैं कि जहां ईमान ही इन हैसियात से अपनी वसत व हमागिरी और अपनी पुख्तगी और मजबूती में नाकस हो वहां तकवा या एहसान का क्या इम्कान हो सकता है क्या इस नक्स की कसर दाढ़ियों के तूल और लिबास की तराश खराश या सुबह गर्दानी या तहजद खानी से पूरी की जा सकती है इस पर दूसरे ईमानियात को भी कयास कर लीजिए नबुवत पर ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान का नफ्स जिंदगी के सारे मामलों में नबी को अपना रहन न मान ले और उसकी रहनुमाई के खिलाफ या उससे आजाद जितनी रहनमाइयां हों उनको रद्द न कर दे किताब पर ईमान उस वक्त तक ना किसी रहता है जब तक नफ्स में किताबुल्लाह के बताए हुए जिंदगी के सिवा किसी दूसरी चीज के तसल्लु पर रजामंदी का शायबा भी बाकी हो या इतबाई मांजर को अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी का कानून देखने के लिए कल्ब रूह की बेचैनी में कुछ भी कसर हो इसी तरह आखरत पर ईमान भी मुकम्मल नहीं कहा जा सकता जब तक नफ्स पूरी तरह आखरत को दुनिया पर तरजीह देने और उखरवी कदरों के मुकाबले में दुनियावी कदरों को ठुकरा देने पर आमादा न हो जाए और आखरत की जवाबदेही का ख्याल उसे जिंदगी की हर राह पर चलते हुए कदम ब कदम खटकने न लगे ये बुनियादें ही जहां पूरी न हों आखिर वहां इस्लामी जिंदगी की आलिशान इमारत किस शय पर तामीर होगी जब लोगों ने इन बुनियादों की तोसी तकमील और, और पुख्तगी के बग़ैर तामीर अखलाक इस्लामी को मुमकिन समझा तभी तो नौबत यहां तक पहुंची कि किताबुल्लाह के खिलाफ फैसले करने वाले जज गैर शर्य कवानी की बुनियाद पर मुकदमे लड़ने वाले वकील निज़ाम कुफर के मुताबिक मामलाती जिंदगी का इंतजाम करने वाले कारकुन काफिराना उसूल तमदन रियासत पर जिंदगी की तशकीलो तसीस के लिए लड़ने वाले लीडर और पैरों गरज सब के लिए तकवा एहसान के मरातब आलिया का दरवाज़ा खुल गया बशर्ते कि वो अपनी जिंदगी के ज़ाहरी अंदाज व अतवार को एक ख़ास नक्शा पर ढाल लें और कुछ नवाफिल नवाफिलोकार की आदत डाल लें इस्लाम ईमान की ये बुनियादें जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है जब मुकम्मल और गहरी हो जाती हैं तब इन पर इस्लाम की मंजिल शुरू होती है इस्लाम दरअसल ईमान के अमली जहूर का दूसरा नाम है ईमान और इस्लाम का बाहमी ताल्लुक वैसा ही है जैसे बीज और दरख्त का ताल्लुक होता है बीज में जो कुछ और जैसा कुछ मौजूद होता है वही दरख्त की शक्ल में जाहिर होता है हती के दरख्त का इम्तहान करके बासानी यह मालूम किया जा सकता है कि बीज में क्या था और क्या ना था आप न यह तस्वर कर सकते हैं कि बीज मौजूद ना हो और दरख्त पैदा हो जाए और ना ही ये तस्वर कर सकते हैं कि सही सालम बीज जरखेज़ जमीन में मौजूद हो फिर भी दरख्त पैदा ना हो ऐसा ही मामला ईमान और इस्लाम का है जहां ईमान मौजूद होगा लाजिमन उसका जिंदगी में अखलाक में बर्ताव में ताल्लौ में, के रुख में मजाको मिजाज की उताद में सई जोहद के रास्तों में औकात और कुतों और काबिलियतों के मशरफ में गरज मजाहरे जिंदगी के हर हर जुज में होकर रहेगा इनमें से जिस पहलू में भी इस्लाम के बजाय गैर इस्लाम जाहिर हो रहा हो यकीन कर लीजिए कि इस पहलू में ईमान मौजूद नहीं है या है तो बिल्कुल बोदा और बेजान है और अगर अमली जिंदगी सारी की सारी ही गैर मुसलमाना शान से बसर हो रही है तो जान लीजिए कि दिल ईमान से खाली है या जमीन इतनी मंजर है कि ईमान का बीज बरगोबार नहीं ला रहा बहरहाल मैंने जहां तक कुरान और हदीस को समझा है यह किसी तरह मुमकिन नहीं है कि दिल में ईमान हो और अमल में इस्लाम ना हो इस मौके पर एक साहब ने उठकर पूछा कि ईमान और अमल को आप एक ही चीज समझते हैं या इन दोनों में कुछ फर्क है उसके जवाब में कहा गया आप थोड़ी देर के लिए अपने जहन से इन बहसों को निकाल दें जो फकहा और मतकलमिन ने इस मसले में की है और कुरान से इस मामले को समझने की कोशिश करें कुरान से साफ मालूम होता है कि एतकदी ईमान और अमली इस्लाम लाजिम मलजूम है अल्लाह ताला जगह जगह ईमान और अमल साले का साथ साथ जिक्र करता है और तमाम अच्छे वादे जो उसने अपने बंदों से किए हैं उन्हीं लोगों से मुताल हैं जो एतकादन मोमिन और अमला मुस्लिम हों फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जहां जहां मुनाफिकीन को पकड़ा है वहां उनके अमल ही की खराबियों से उनके ईमान के नक्स पर दलील कायम की है और अमली इस्लाम ही को हकीकी ईमान की, की अलामत ठहराया है इसमें कोई शक नहीं कि, कि कानूनी लिहाज से किसी शख्स को काफी ठहराने और उम्मत से उसका रिश्ता काट देने का मामला दूसरा है और उसमें इतहाई एहतियात मलहूज रखनी चाहिए मगर मैं यहाँ इस ईमान इस्लाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिस पर दुनिया में फ़िकी अहकाम मुरतब होते हैं बल्कि यहाँ जिक्र उस ईमान और इस्लाम का है जो खुदा के यहाँ मोतबर है और जिस पर उखरवी नतायज मतरतब होने वाले हैं कानूनी नुक़ः नज़र को छोड़कर हकीकत नफ्सल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यकीन यही पाएंगे कि जहाँ अमलन ख़ुदा के आगे सपरानंदाजी और सपरदगी ववालगी में कमी है जहाँ नफ्स की पसंद खुदा की पसंद से मुख्तलिफ है जहाँ खुदा की वफादारी के साथ गैर की वफादारी निभ रही है जहाँ खुदा का दीन कायम करने की सई के बजाय दूसरे मशागिल में निहक है जहाँ कोशिशें और मेहनतें राह खुदा के बजाय दूसरी राहों में सर्फ हो रही हैं वहाँ ज़रूर ईमान में नक्स है और जाहिर है कि नाकस ईमान पर तकवा और एहसान की तमीर नहीं हो सकती खा के अतबार से मुतकियों की सी वजह बनाने और मोहसिन के से बाज आमाल की नकल उतारने की कितनी ही कोशिश की जाए जाहिर फरेब शक्लें अगर हकीकत यू से खाली हों तो उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसी एक नहायत खूबसूरत आदमी की लाश बेहतरीन वजह व में मौजूद हो मगर इसमें जान न हो इस खूबसूरत लाश की जाहरी शान से धोखा खाकर अगर आप उससे कुछ तो वाबस्ता कर लेंगे तो वाक़ात की दुनिया अपने पहले ही इम्तिहान में इसका नकारा होना साबित कर देगी और तजर्बे से आपको मालूम हो जाएगा कि एक बदसूरत मगर जिंदा इंसान एक खूबसूरत मगर बेरूह लाश से बेहतर और ज्यादा अच्छा है जाहरी फ़रेबियों से आप अपने नफ्स को तो जरूर धोखा दे सकते हैं मगर आलम वाक पर कुछ भी असर नहीं डाल सकते और ना खुदा की मीज़ानी में कोई वजन हासिल कर सकते हैं बस अगर आपको जाहिर नहीं बल्कि वह हकीकी तकवा और एहसान मतलूब हो जो दुनिया में दीन का बोलबाला करने और आखरत में खैर का पलड़ा झुकाने के लिए दरकार है तो मेरी इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि ऊपर की ये दोनों मंजिलें कभी नहीं उठ सकती जब तक के ईमान की बुनियाद मजबूत न हो जाए और इसकी मजबूती का सबूत अमली इस्लाम यानी बिलफेल इतात फर्मा से न मिल जाए तकवा तकवा की बात करने से पहले यह समझने की कोशिश कीजिए तकवा है क्या चीज़ तकवा हकीकत में किसी वजा वैत और किसी खास तर्ज माशरत का नाम नहीं है बल्कि दरअसल वो नफ्स की इस कैफियत का नाम है जो खुदा तरसी और एहसास जिम्मेदारी से पैदा होती है और जिंदगी के हर में ज़हूर करती है हकीकत तकवा यह है कि इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो अबदीयत का शूर हो खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास हो और इस बात का जिंदा इदराक मौजूद हो कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहाँ खुदा ने एक मोहलत उम्र देकर मुझे भेजा है और आखरत में मेरे मुस्तबल का फैसला बिल्कुल इस चीज़ पर मुनासिर है हुए वक्त के अंदर इस इम्तिहान गह में अपनी कुतों और काबलियतों को किस तरह इस्तेमाल करता हूँ इस सरोसर तसरफ करता हूँ जो मशीत इलाही के तहत मुझे दिया गया है और इन इंसानों के साथ क्या मामला करता हूँ जिनसे कज़ाई इलाही ने मुख्तलिफ हैसियतों से मेरी जिंदगी मुतिक कर दी है ये अहसास शूर जिस शख्स के अंदर पैदा हो जाए उसका ज़मीर बेदार होता है और उसकी दीनी हिस्स तेज़ हो जाती है इसको हर वो चीज़ खटकने लगती है जो खुदा की रज़ा के खिलाफ हो उसके मज़ाक को हर वो शय नागवार होने लगती है जो खुदा की पसंद से मुख्तलफ हो वह अपने नफ्स का आप जायजा लेने लगता है कि मेरे अंदर किस किस्म के रुझान व मैलाना परवरिश पा रहे हैं वो अपनी जिंदगी का खुद महासबा करने लगता है कि मैं किन कामों में अपना वक्त और अपनी कुतें सर्फ कर रहा हूँ वो शरीह ममनुआत तो दरकिनार मुश्तब अमूर में भी मुबतला होते हुए खुद ब खुद झिझकने लगता है और इसका एहसास फर्ज उसे मजबूर कर देता है कि तमाम अवामिर को पूरी फर्माबरदारी के साथ बजा लाए उसकी खुदा तरसी हर इस मौके पर उसके कदम में लर्जिश पैदा कर देती है जहां हदूदल्ला से तजावज का अंदेशा हो और औरूक उईबाद की निगहदाश्त आप से आप उसका वतीरा बन जाती है और इस ख्याल से भी उसका जमीर काम उठता है कि कहीं इससे कोई ऐसी बात हक के खिलाफ सरजत न हो जाए ये कैफियत किसी एक शक्ल या किसी मखसूस दायरे में जाहिर नहीं होती बल्कि आदमी के पूरे तर्ज़ फिक्र और उसके तमाम कारनामाए जिंदगी में इसका जहूर होता है और उसके असर से एक ऐसी हमवार और यक सीरत पैदा होती है जिसमें आप हर पहलू से एक ही तर्ज की पाकिजगी और सफाई पाएंगे बखिलाफ़ इसके जहां तकवा बस इस चीज़ का नाम रख लिया गया हो कि आदमी चंद मखसूस शक्लों की पाबंदी और मखसूस तरीक़ों की पैरवी इख्तियार करे और मसनू तौर पर अपने आप को एक ऐसे सांचे में ढाल ले जिसकी पैमाइश की जा सकती हो वहां आप देखेंगे कि चंद अशकाल तकवा जो सिखाएंगी उसकी पाबंदी तो इंतहा एहतमाम के साथ हो रही है मगर उसके साथ जिंदगी के दूसरे पहलुओं में वह अखलाक वो तर्ज़ फिक्र और वो तर्ज अमल भी जाहिर हो रहे हैं जो मकाम तकवा तो दरकिनार ईमान की इब्तदाई मुख्तजिया से भी मुनासिबत नहीं रखते यानि हजरत मसीह आ सलाम की तमसीली ज़मान में मच्छर छाने जा रहे हैं और ऊंट बेतकल्लफ़ी के साथ निगले जा रहे हैं हकीकी तकवा और मसनू तकवा के इस फर्क को यूं समझिए कि एक शख्स तो वो है जिसके अंदर तहारत और नज़ाफत की हिस्स मौजूद हो और पाकिजगी का जौक़ पाया जाए ऐसा शख्स गंदगी से फी नफ ही नफरत करेगा खा वो जिस शक्ल में भी हो और तहारत को बजाय खुद इख्तियार कर लेगा खा इसके मेहता ना हो सकता हो बखिलाफ उसके एक दूसरा शख्स है जिसके अंदर तहारत की हिस्स मौजूद नहीं है मगर वो गंदगी और तहारतों की एक फहरिस्त लिए फिरता है जो कहीं से उसने नकल कर ली है ये शख्स इन गंदगी से तो इजतनाब करेगा जो इसने फहरिस्त में लिखी हुई पाई है मगर बेशुमार ऐसी घनाउनी चीज़ों में आलूदा पाया जाएगा जो इन से बदरजहा ज्यादा नापाक होंगी जिनसे वो बच रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो इस फेरिस्त में दर्ज होने से रह गई हैं। ये फर्क जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ये महज एक नजरी फर्क नहीं बल्कि आप इसको अपनी आंखों से इन हजरात की जिंदगियों में देख सकते हैं जिनके तकवा की धूम मची हुई है एक तरफ उनके यहां जुजियात शराह का यह अहतमाम है कि दाढ़ी एक खास मकदार से कुछ भी कम हो तो फिस का फैसला नाफिज कर दिया जाता है पाएचा टखने से जरा नीचे हो जाए तो जहन्नम की वही सुनाई जाती है अपने मसल के फ के फरूई अहकाम से हटना उनके नजदीक गोया दीन से निकल जाना है लेकिन दूसरी तरफ दीन के को लिया से उनकी गफलत इस हद तक पहुंची हुई है कि मुसलमानों की पूरी जिंदगी का मदार उन्होंने रुख्सतों और सियासी मसलतों पर रख दिया है इकामत दीन की सही से गुरेज की बेशुमार राहें उन्होंने निकाल रखी है गलब कुफर के तहत इस्लामी जिंदगी के नक्शे बनाने ही में उनकी सारी मेहनतें और कोशिशें सर्फ हो रही हैं और इन्हीं की गलत रहनुमाई ने मुसलमानों को इस चीज पर मुतमिन किया है कि गैर इस्लामी निजाम के अंदर रहते हुए बल्कि उसकी खिदमत करते हुए भी एक महदूद दायरे में मजहबी जिंदगी बसर करके वो दीन के सारे तकाजे पूरे कर सकते हैं इससे आगे कुछ मतलूब नहीं है जिसके लिए वो सही करें फिर इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अगर कोई उनके सामने दीन के असली मुतालबे पेश करे और सै इकामत दीन की तरफ तवज्जो दिलाए तो सिर्फ यही नहीं कि वो उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं बल्कि कोई हीला कोई बहाना कोई चाल ऐसी नहीं छोड़ते जो इस काम से खुद बचने और मुसलमानों को बचाने के लिए इस्तेमाल न करें इस पर भी उनके तकवे पर कोई आंच नहीं आती और न मजहबी जहनीयत रखने वालों में किसी को यह शक होता है कि उनके तकवे में कोई कसर है इसी तरह हकीकी और मसनू तकवा का फर्क बेशमार शक्लों में जाहिर होता रहता है मगर आप उसे तभी महसूस कर सकते हैं कि तकवा का असल तस्वर आपके जहन में वाज तौर पर मौजूद हो मेरी इन बातों का मतलब यह हरगज़ नहीं है कि वज़ाक़त लिबास और माशरत के जाहरी पहलुओं के मुतालिक जो आदाब अहकाम हदी से साबित हैं मैं इनका इस्तफाफ करना चाहता हूँ या उन्हें गैर जरूरी करार देता हूँ खुदा की पनाह कि मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल हो दरअसल जो कुछ मैं आपके जहन नशीन करना चाहता हूँ वो यह है कि असल चे हकीकते तकवा है न कि मज़ाहिर हकीकते तकवा जिसके अंदर पैदा होगी उसकी पूरी जिंदगी हमारी और यक के साथ इस्लामी जिंदगी बनेगी इस्लाम अपनी पूरी हम के साथ उसके ख्याल में उसके जज्बा रुझाना में उसके मजाक तबीयत में उसके औकात की तकसीम और उसकी कवतों के मसारफ में उसकी सई की राहों में उसके तर्ज़ जिंदगी और मुआशरत में उसकी कमाई और खर्च में गरज़ उसकी हयात दुनियावी के सारे ही पहलुओं में रफ्ता रफ्ता नुमाया होता चला जाएगा बख़िलाफ़ इसके अगर मज़ाहिर को हकीकत पर मुकदम रखा जाएगा और इन पर बेजा जोर दिया जाएगा तो हकीकी तकवा की तुख्मेजी और आबियाारी के बग़ैर मसनू तौर पर चंद ज़ाहरी अहकाम की तकमील करवा दी जाएगी तो नतज वही कुछ होंगे जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है पहली चीज देर तलब और सबर आजमा है बतदरीज नश्व नुमा पाती और एक मुद्दत के बाद बरगोबार लाती है जिस तरह बीज से दरख्त के पैदा होने और फल फूल लाने में काफी देर लग जाती है इसी तरह सतही मिजाज के लोग उससे उपराते हैं बखिलाफ इसके दूसरी चीज जल्दी और आसानी से पैदा कर ली जाती है जैसे एक लकड़ी में पत्ते और फल और फूल बांध दरख्त की सी शक्ल बना दी जाए यही वजह है कि तकवा की पैदावार का यही ढंग आज मकबूल है लेकिन जाहिर है कि जो तवक्कुआत एक फ़ित्री दरख्त से पूरी होती हैं वो इस किस्म के मसनू दरख्तों से कभी पूरी नहीं हो सकती एहसान अब एहसान को लीजिए जो इस्लाम की बुलंद तरीन मंजिल है एहसान दरअसल अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम और उसके दीन के साथ कलबी लगाओ उसकी गहरी मोहब्बत इस सच्ची वफ़ादारी और फिदवीत जानसारी का नाम है जो मुसलमान को फनाफिल इस्लाम कर दे तकवा का सासासी तस्वर ख़ुदा का खौफ है जो इंसान को उसकी नाराजगी से बचने पर आमादा करे और एहसान का सासासी तस्वर ख़ुदा की मोहब्बत है जो आदमी को उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए उभारे इन दोनों चीज़ों के फ़र्क को एक मिसाल से यूं समझिए कि हुकूमत के मुलाजिमों में से एक तो वो लोग हैं जो नहायत फ़र्ज शनासी और तनदही से वो तमाम खिदमत ठीक ठीक बजा लाते हैं जो उनके सपुर्द की गई हों तमाम जाबतों और कायदों की पूरी पूरी पाबंदी करते हैं और कोई काम ऐसा नहीं करते जो हुकूमत के लिए काबिल एतराज़ हो दूसरा तबका उन मुखलिस वफादारों और जानिसारों का होता है जो दिलो जान से हुकूमत के हवा खा होते हैं सिर्फ वही खिदमत अंजाम नहीं देते जो उनके सपुर्द की गई हों बल्कि उनके दिल को हमेशा ये फिक्र लगी रहती है के सल्तनत के मफाद को ज्यादा से ज्यादा किस तरह तरक्की दी जाए इस धन में वो फर्ज और मुतालबा से ज्यादा काम करते हैं सल्तनत पर कोई आंच आए तो वो जानो माल और औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाते हैं कानून की कहीं खिलाफ वर्जी हो तो उनके दिल को चोट लगती है कहीं बगावत के आसार पाए जाए तो वह बेचैन हो जाते हैं और उसे फ्रोह करने में जान लड़ा देते हैं जानबूझ खुद सल्तनत को नुकसान पहुंचाना तो दरकिनार इसके मफाद को किसी तरह नुकसान से देखना भी उनके लिए नाकबिल बर्दाश्त होता है और इस खराबी को रफा करने में वो अपनी हद तक कोशिश का कोई दकीका उठा नहीं रखते उनकी दिली ख्वाहिश ये होती है कि दुनिया में बस उनकी सल्तनत ही का बोलबाला हो और ज़मीन का कोई चप्पा ऐसा बाकी ना रहे जहां उसका फुरेरा ना उड़े इन दोनों में से पहली किस्म के लोग इस हुकूमत के मुतकी होते हैं और दूसरी किस्म के लोग उसके मौसिन अगरचे तरक्या मतकीन को भी मिलती हैं और बहरहाल उनके नाम अच्छे मुलाजमों की फहरिस्त में लिखे जाते हैं मगर जो सरफराजियां मोहसिन के लिए हैं उनमें कोई दूसरा उनका शरीक नहीं हो सकता बस इसी मिसाल पर इस्लाम के मतकीयों और मोहसिनों को भी कयास कर लीजिए अगरचे मतकीन भी काबिल क़द्र और काबिल अतमाद लोग हैं मगर इस्लाम की असल ताकत मोहसिन का गिरोह है असली काम जो इस्लाम चाहता है कि दुनिया में हो वह इसी गिरोह से बना सकता है एहसान की हकीकत को समझ लेने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जो लोग अपनी आंखों से खुदा के दीन को कुफर से मगलूब देखें जिनके सामने हदूदल्ला पामाल ही नहीं बल्कि कलदम करार दे दी जाए खुदा का कानून अमलन ही नहीं बल्कि बाजाबिता मनसूख कर दिया जाए खुदा की ज़मीन पर खुदा का नहीं बल्कि उसके बाग़ियों का बोलबाला हो रहा हो निज़ाम कुफ्र के तसलों से न सिर्फ आम इंसानी सोसाइटी में अखलाक व तमदनी फसाद बरपा हो बल्कि खुद उम्मत मुस्लिम भी नहायत सूरत के साथ अखलाकी वरी गुमराहियों में मुबतला हो रही हो और ये सब कुछ देख कर भी उनके दिलों में न कोई बेचैनी पैदा हो न इस हालत को बदलने के लिए कोई जज्बा भड़के बल्कि उसके बरक्स वो अपने नफ्स को और आम मुसलमानों को गैर इस्लामी निज़ाम के गलबे पर उसूला मुतमिन कर दें इनका शुमार आखिर मोहसिन में कैसे हो सकता है इस जुर्म अजीम के साथ महज ये बात उन्हें एहसान के मकामी आली पर कैसे सरफराज कर सकती है कि वो चाश्त और इशराक और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ते रहे जुजियात फ़िका की पाबंदी और छोटी छोटी सुन्नतों के इतबा का सख्त एहतमाम फरमाते रहे और तजिक नफ्स की खानकाहों में दीनदारी का वो फ़न सिखाते रहे जिसमें हदीस फिक और तसव्वुफ की बारीकियां तो सारी मौजूद थीं मगर एक न थी तो वो हकीकी दीनदार जो सरदा नदाद दस्त दरदस्त की कैफियत पैदा करे और बाजी अगर चे पा न सका तो सर तो खो सका के मकाम वफादारी पर पहुंचा दे आप दुनियावी रियासतों और कौमों में भी वफादार और गैर वफादार की इतनी तमीज़ जरूर नुमाया पाएंगे कि अगर मुल्क में बगावत हो जाए या मुल्क के किसी हिस्से पर दुश्मन का कब्जा हो जाए तो बाग़ियों और दुश्मनों के तसल्लु को जो लोग जायज़ तस्लिम कर लें या उनके तसलुत पर राजी हो जाए और उनके साथ मगलूबाना मुसालहत कर लें या उनकी सरपरस्ती में कोई ऐसा निज़ाम पाए जिसमें असली अकतदार की बागें उन्हीं के हाथ में रहें और कुछ जिमनी हकूक उन्हें भी मिल जाए तो ऐसे लोगों को कोई रियासत और कोई कौम अपना वफादार मानने के लिए तैयार नहीं होती खा व कौमी फैशन के कैसी सख्त पाबंद और जुजी मामला में कौमी कानून के कितने ही शदीद पैरों हों आज आपके सामने जिंदा मिसालें मौजूद हैं कि जो मुल्क जर्मनी के तसल्लु से निकले हैं वहां उन लोगों के साथ क्या मामला हो रहा है जिन्होंने जर्मन कब्जे के जमाने में ताउन मसालत की राहें इख्तियार की थी इन सब रियासतों और कौमों के पास वफादारी को जांचने का एक ही मैार है और वो ये है कि किस शख्स ने दुश्मन के तसलुद की मुजाहमत किस हद तक की इसको मिटाने के लिए क्या काम किया और इस इकतदार को वापस लाने की क्या कोशिशें की जिसकी वफादारी का वह मुद्दा था फिर क्या मज़ल्ला खुदा के मुतिक आपका ये गुमान है कि वो अपने वफादारों को पहचानने की इतनी तमीज़ भी नहीं रखता जितनी दुनिया के उन कम अकल इंसानों में पाई जाती है क्या आप समझते हैं कि वो बस दाढ़ियों का तूल टखनों और पाइचों का फासला तस्बीहों की गर्दिश और वर्दो वज़ायफ और नवाफिल और मुराकबे के मशागिल और ऐसी चंद और चीजें देखकर धोखा खा जाएगा क्या आप उसके सच्चे वफादार और जानिसार हैं गलत फहमियां हजरात अब मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा आम मुसलमानों के जहन पर मुद्दतों के गलत तस्वूर की वजह से जुजियात जवाहर की अहमियत कुछ इस तरह छा गई है कि दीन के उसूलों को लियात और दीनदारी और अखलाक इस्लामी के हकीकी जौहर की तरफ खा कितनी ही तवज्जो दिलाई जाए मगर लोगों के दिमाग हिर फिर कर उन्हीं छोटे छोटे मसाइल और जरा ज़रा सी जाहरी चीजों में अटक कर रह जाते हैं जिन्हें असल दीन बनाकर रख दिया गया है इस वबाए आम के असरा खुद हमारे बहुत सिरफ़ा और हमदर्दों में भी पाए जाते हैं मैं अपना पूरा जोर यह समझाने में सर्फ करता रहा हूं कि दीन की हकीकत क्या है इसमें असल अहमियत किन चीजों की है और इसमें मुकदम क्या है और मखर क्या है लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद जब देखता हूं यही देखता हूं कि वही ज़ाहिर परस्ती और वही उसूल से बढ़कर फुरू की अहमियत दिमागों पर मुसलत है आज तीन रोज से मेरे पास पर्चों की भरमार हो रही है जिनमें सारा मुतालबा बस इसी का है कि जमात के लोगों की दाढ़ियाँ बढ़वाई जाए पाए छः टखनों से ऊपर कराए जाए और ऐसे ही दूसरे जुज्त का अहमाम कराया जाए इसके अलावा बाज़ लोगों के इस ख्याल का भी मुझे इल्म हुआ है कि उन्हें जमात में इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है जिसको वो रूहानियत से ताबीर करते हैं मगर शायद वो खुद नहीं बता सकते कि ये रूहानियत फिलवा है क्या शे इसी बिना पर उनकी राय यह है कि नसबुल और तरीक़ार तो इस जमात का अख्तियार किया जाए और तजकिया नफ्स और तरबियत रूहानी के लिए खानकाहों की तरफ रजू किया जाए ये सारी बातें साफ बताती हैं कि अभी तक हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों में दीन का फहम पैदा नहीं हुआ मैं अभी आपके सामने ईमान इस्लाम तकवा और एहसान की जो तशरीह कर चुका हूं इसमें अगर कोई चीज़ कुरान और हदीस की तालीम से तजावज़ करके मैंने खुद वजह कर दी हो तो आप बेतकल्लुफ उसकी निशानदही फरमा दें लेकिन अगर आप तस्लीम करते हैं कि किताबुल्लह वसन्नत रसूल सलाम की रू से यही इन चार चीज़ों की हकीकत है तो फिर खुद ही सोचिए कि जहां तकवा और एहसान की जड़ ही ना पाई जाती हो वहां आखिर कौन सी रूहानियत पाई जा सकती है जिसे आप तलाश कर रहे हैं रहे वो जुजियात शराह जिनको आपने दीन के अवलिन मतालबा में शुमार कर रखा है तो इसका हकीकी मकाम मैं आपके सामने फिर एक मरतबा वाज किए देता हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष हो जाऊँ सबसे पहले ठंडे दिल से सवाल पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल दुनिया में किस गरज के लिए भेजे है दुनिया में आखिर किस चीज़ की कमी थी क्या खराबी पाई जाती थी जिसे रफा करने के लिए अम्बिया माबूज करने की ज़रूरत पेश आई क्या वो ये थी कि लोग दाढ़ियां न रखते थे और उन्हीं के रखवाने के लिए रसूल भेजे गए या ये कि लोग टखने ढांके रहते थे और अंबिया के जरिए से उन्हें खुलवाना मकसूद था या वो चंद सुन्नतें जिनके अहतमाम का आप लोगों में बहुत चर्चा है दुनिया में जारी करने के लिए अम्बिया की ज़रूरत थी इन सवाल पर आप गौर करेंगे तो खुद ही कह देंगे कि न असल खराबियां ये थीं और न अम्बिया की बेसत का असल मकसूद ये था फिर सवाल यह है कि वह असली खराबियां क्या थीं जिन्हें दूर करना मतलूब था और वह हकीकी भलाइयाँ क्या थीं जिन्हें कायम करने की ज़रूरत थी इसका जवाब आप इसके सिवा और क्या दे सकते हैं कि खुदा वाहिद की इतात बंदगी से इहराफ खुदसाख्त असूल ववानीन की पैरवी और, और ख़ुदा के सामने ज़िम्मेदारी और का कादम एहसास ये थी वो असल खराबियां जो दुनिया में रूनुमा हो गई थीं उन्हीं की बदौलत अखलाक फासिदा पैदा हुए गलत असूल ज़िंदगी राइज हुए और ज़मीन में फसाद बरपा हुआ फिर अम्बिया अलतम इस गरज़ के लिए भेजे गए कि इंसानों में खुदा की बंदगी वफ़ारी और उसके सामने अपनी जवाबदही का एहसास पैदा किया जाए अखलाक़ फ़ाज़िला को नशोनमुमा दिया जाए और इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम उन असूलों पर कायम किया जाए जिनसे खैर सलाह उभरे और शर फसाद दबे यही एक मकसद तमाम अम्बिया की बेसत का था और आखिरकार इसी मकसद के लिए महमद सल अल व वसल्बूस हुए अब देखिए कि मकसद की तकमील के लिए महमद सल्ला व्ल् ने किस तरतीबोरीज के साथ काम किया सबसे पहले आपने ईमान की दावत दी और इसको वसी तरीन बुनियादों पर पुख्ता मुस्तकम फरमाया फिर इस ईमान के मकतजयात के मुताबिक बतदरीज अपनी तालीम तरबियत के जरिए से अहल ईमान में अमली इतात व फर्माबरदारी यानि इस्लाम अखलाकी तहारत यानि तकवा और खुदा की गहरी महब्बत वफादारी यानि एहसान के अवसाफ पैदा हुए फिर इन मुखलिस मोमिनों की मुनज़म सई व से कदीम जाहलीत के फास्त निज़ाम को मिटाया और इसकी जगह कानून खुदाबंदी के अखलाकी और तमदनी असूलों पर एक निज़ाम साले कायम कर दिया इस तरह जब ये लोग अपने दिलो दिमाग अखलाक, अफकार गरज जुमला हैसियात से वाकई मुस्लिम मतकी और मोहसिन बन गए और इस काम में लग गए जो लल्ल तला के वफदारों को करना चाहिए था तब आपने इनको बताना शुरू कर दिया कि वज़ा लिबास खाने पीने रहने सहने उठने बैठने और दूसरे ज़ाहरी बर्ताव में वो महजब आदाब अतवार कौन से हैं जो मुत्तियों को जेब देते हैं गोया पहले मिस ख़ाम को कुंदन बनाया फिर इसमें अशरफ़ी का ठप्पा लगाया पहले सिपाही तैयार किए फिर उन्हें वर्दी पहनाई यही इस काम की सही तरतीब है जो कुरान हदीस के गैर मताले से साफ नज़र आती है अगर इतबाही सुन्नत नाम है इस तर्ज अमल का जो नबी सल्लम ने ताला की मर्ज़ी पूरी करने के लिए हिदायत इलाही के तहत इख्तियार किया था तो यकीनन ये सुन्नत की पैरवी नहीं बल्कि उसके खिलाफ वर्जी है कि हकीकी मोमिन मुस्लिम मुत्तकी और मोहसिन बनाए बग़ैर लोगों को मत्तियों के ज़ाहरी सांचे में ढालने की कोशिश की जाए और उनसे महसिन के चंद मशहूर व मकबूल आम अफ़ल की नक़ल उतरवाई जाए ये सीसे और तांबे के टुकड़ों पर अशरफी का ठप्पा लगाकर बाजार में उनको चला देना है और सिपाहियत वफादारी और जानसारी पैदा किए बगैर निरय वर्दी पोष नुमाइशी सिपाहियों को मैदान में ला खड़ा करना मेरे नजदीक तो एक खुली जालसाजी है और इसी जालसाजी का नतीजा है कि न बाजार में आपकी इन जाली अशरफियों की कोई कीमत है और न मैदान में आपके नुमाइशी सिपाहियों की, की भीड़ से कोई मारक असर होता है फिर आप क्या समझते हैं कि खुदा के यहाँ असली कदर किस चीज़ की है फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स सच्चा ईमान रखता है फ़र्ज चनास है अखलाक साह से मुतसिफ है हदूदल्ला पाबंद है और खुदा की वफ़ारी और जानसारी का हक़ अदा कर देता है मगर ज़ाहरी फैशन के अतबार से नाक़ और ज़ाहरी तहजीब के मैार से गिरा हुआ है इसकी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा बस यही तो होगी कि एक अच्छा मुलाजिम है मगर ज़रा बदतमीज़ है मुमकिन है कि इस बदतमीज़ी की वजह से उसको मरातब आलिया नसीब ना हो सके। मगर क्या आप समझते हैं कि इस कसूर में उसकी वफादारी का अजरबी मारा जाएगा और उसका मालिक सिर्फ इसलिए उसे जहन्नम में झोंक देगा कि वह खुशवज़ा और खुश अतवार न था फ़र्ज कीजिए कि एक दूसरा शख्स है जो बेहतरीन शरी फैशन में रहता है और आदाब तहजीब के अल्ताम में कमाल दर्जा महतात है मगर इसकी वफादारी में नक्स है उसकी फ़र्ज शनासी में कमी है उसकी ग़रत ईमानी में खामी है आप क्या अंदाज़ा करते हैं कि इस नक्स के साथ इस ज़ाहरी कमाल की हद से हद किस क़दर खुदा के यहाँ होगी ये मसला तो कोई गहरा और पेचीदा कानूनी मसला नहीं है जिसे समझने के लिए किताबें खंगालने की ज़रूरत हो महज आम ही से हर आदमी जान सकता है कि इन दोनों चीज़ों में से असली कदर की मुस्तक कौन सी चीज़ है दुनिया के कम इलम लोग भी इतनी तमीज़ ज़रूर रखते हैं कि हकीकत में जो चीज़ काबिल क़दर है इसमें और ज़िमनी खूबियों में फ़र्क कर सकें अंग्रेज़ी हुकूमत आपके सामने मौजूद है ये लोग जैसे कुछ फैशन परस्त हैं और जाहरी आदाब अतवार पर जिस तरह जान देते हैं इसका हाल आपको मालूम है लेकिन आप जानते हैं कि उनके यहाँ असली कदर किस चीज़ की है जो फौजी अफसर उनकी सल्तनत का झंडा बुलंद करने में अपने दिलो दिमाग और जिसम जान की सारी कुतें सर्फ कर दे और फैसले के वक्त कोई कुर्बानी देने में दरेग न करे वो उनके नुते नजर से खा कितना ही ओजड और गंवार हो कई कई दिन शेव न करता हो बेढंगा लिबास पहनता हो खाने पीने की जरा तमीज़ न रखता हो रक्स के फ़न से नाबलद हो मगर इन सारे अयूब के बावजूद वो इसको सर आंखों पर बिठाएंगे और उसे तरक्की के बुलंद तरीन मरतबे देंगे बखिलाफ इसके जो शख्स फैशन तहजीब खुश तमीज़ी और सोसाइटी के मकबूल आम अतवार का मैारी मुजस्म हो लेकिन वफादारी और जानसारी में नाक़ हो और काम के वक्त अपने मसाले का ज्यादा लिहाज कर जाए उसे वो कोई इज्जत का मकाम देना तो दरकिनार शायद इसका कोर्ट मार्शल करने में भी दरेख न करें ये जब दुनिया के कम अकल इंसानों की मारिफत का हाल है तो अपने खुदा के मुतालिक आपका क्या गुमान है क्या वो सोने और तांबे में तमीज़ करने के बजाय महज सतह पर अशरफी का ठप्पा देकर अशरफी की कीमत और पैसा का ठप्पा देकर पैसे की कीमत लगा देगा मेरी इस गुजारिश को ये माना न पहनाया जाए कि मैं ज़ाहरी महासिन की नफ़ी करना चाहता हूँ या इन अहकाम की तामील को गैर ज़रूरी करार दे रहा हूँ जो ज़िंदगी के ज़ाहरी पहलुओं की असलाह दुरुस्ती के मुल्क दिए गए हैं दर हकीकत मैं तो इसका कायल हूँ कि बंद मोमिन को हर उस हुम की तामील करनी चाहिए जो खुदा और रसूल सल्ला वम ने दिया हो और यह भी मानता हूँ कि दीन इंसान के बातिन और जाहिर दोनों को दुरुस्त करना चाहता है लेकिन जो चीज़ मैं आपके जहन नशीन करना चाहता हूँ वो ये है कि मुकदम चीज़ बातिन है न कि ज़ाहिर पहले बातिन में हकीकत का जौहर पैदा करने की फ़िक्र कीजिए फिर ज़ाहिर को हकीकत के मुताबिक ढालिए आपको सबसे बढ़कर और सबसे पहले उन असाफ़ की तरफ तोज्जो करनी चाहिए जो अल्लाह के यहाँ असली कदर के मुस्क हैं और जिन्हें नशोनम देना अम्बिया आल की बेसत का असली मकसूद था ज़ाहिर की आरासगी अव्वल तो इन उसाफ़ के नतीजे में फ़रतान खुद ही होती चली जाएगी और अगर इनमें कुछ कसर रह जाए तो तकमीली मराहल में इसका अहतमाम भी किया जा सकता है दोस्तों और रफ़ीको मैंने बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद आज ये तवील तकरीर आपके सामने सिर्फ़ इसलिए की है कि मैं अमर हक को पूरी वजाहत के साथ आप तक पहुंचाकर खुदा के हजूर बरी होना चाहता हूं जिंदगी का कोई एतबार नहीं कोई नहीं जानता कि कब उसकी मोहलतमर आन पहुंची हो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं के हक पहुंचाने की जो ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद होती है उससे सबक दोष हो जाऊं। अगर कोई अमर वजाहत तलब हो तो पूछ लीजिए अगर मैंने ठीक ठीक हक आप तक पहुंचा दिया है तो आप भी इसके गवाह रहें और ख़ुदा भी गवाह हो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे और आपको सबको अपने दीन का सही फ़हम बख्शे और इस फहम के मुताबिक दीन के सारे तकाजे और मुतालबे पूरे करने की तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन